कृष्ण कृष्ण हरि 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 राम हरि राम 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 हरे हरे जोर करके बोलो हरे मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज एक विशेष स्थिति है, पीछे पीछे बात मत करो। आज एक विशेष स्थिति है, हमारी गौड़ीय वैष्णव गौड़ीय मठ का जो मूल प्रतिष्ठा था नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद आज तिरुभाव महामहोत्सव है। मतलब आज का दिन उन्होंने अपना नितलीला में उन्होंने प्रवेश किया था। कहते वैष्णव दयालु हुए क्योंकि भगवान का एक ही तिथि मिलती है, जन्म तिथि आविर्भाव तिथि। लेकिन जो भक्त लोग हैं, जैसे जन्म कर्म चमे दिव्यम भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, मेरा जो जन्म और कर्म ही अप्राकृत ही अवलौकिक है। अगर तत्वतः इसको कोई समझ जाए तो फिर शरीर छोड़ने का बाद फिर दोबारा इस संसार में नहीं आता। इसलिए उसी तरह वैष्णव लोगों का भी कहते न जन्म कर्म बंधनम वैष्णवानां च विद्यते। उसी तरह वैष्णव लोगों का भी जो जन्म कर्म इनका भी दिव्य और अलौकिक है। बोले संगे आयसन तथा जायन तथा है। इसी जगत में जैसे भगवान जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान धर्मस्य तदात्मान सृजाम्य। भगवान जैसे कहते हैं जब जब जगत में अधर्म का हानि और धर्म की है कि धर्म के नष्ट होने लग जाता है और जो अधर्म बढ़ने लग जाता है तब तक मैं इसी संसार में आकर के धर्म को स्थापन करता हूँ और अधर्म को नष्ट करता हूँ और मैं अपना भक्तों को पालन करता हूँ। भगवान तो एक बार ही आए द्वापर युग में एक कृष्ण रूप में आए, त्रेता युग में भगवान एक राम रूप में आए, कलि युग में केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए। लेकिन भगवान तो एक बार आते हैं लेकिन जो संतों को भगवान बारंबार वैष्णव को भेजते हैं। वैष्णव को किसी समय में वैष्णव को भेज सकते हैं लेकिन ठाकुर तो केवल एक बार आते हैं। इसलिए भक्तों में इतने शक्ति है, जैसे हम सुनते थे ध्रुव महाराज का कोई विरह तिथि नहीं, क्योंकि जब इसी संसार से गए बैकुंठ से विमान आया और काल के सर को ऊपर प्यार रख करके ससरी में उन्होंने बैकुंठ विजय किया। श्री मध्वाचार्य इन्होंने भी हैं जब ये ऐतरीय उपनिषद को पाठ कर रहे थे इतने में स्वर्ग से देवता लोग पुष्प वृष्टि की, बोले श्री राधा विनोद बिहारी जो जिस समय वो ऐतरीय उपनिषद पाठ कर रहे थे इतने में स्वर्ग से देवता लोगों ने पुष्पों की बौछार की और वो फूल से ही उनका शरीर ढक गया। जब फूल को हटा करके देखा वो है ही नहीं, उन्होंने वो भी सशरीर में भगवत लोक में चले गए। वैष्णव लोग भी इतने पवित्र, वैष्णव लोग भी सशरीर में जा सकते हैं कहा भगवत धाम को, लेकिन वैष्णव लोग बड़े दयालु है बड़े कृपालु है। क्यों? जब वैष्णव का तिथि आती है
जैसे भगवान की साल में कृष्ण का जन्म तिथि एक बार मनाते, राम का जन्म तिथि हम एक बार मनाते, लेकिन वैष्णवों को देखो साल में दो बार आ जाते, एक बार उनकी जन्म तिथि आती है और एक बार उनकी विरह है, ये अंतर ध्यान तिथि आती है। वैष्णव लोग बड़े दयालु है, क्योंकि जब 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 उनकी तिथि आती है हम लोग क्या करते हैं, उनकी महिमा को, उनकी गुण को, उनकी भजन पद्धति को हम लोग इसी विषय पर हम विवेचना करते हैं। उन्होंने हम लोगों के लिए क्या उन्होंने शिक्षा देकर गए हैं, वो शिक्षा को हम लोग अपना जीवन में आचरण में लाते हैं। इसलिए वैष्णव लोग भगवान से भी, ये वैष्णव लोग बड़े दयालु है। बोले श्री वैष्णव ठाकुर की, बोले श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। इसलिए आज हमारे गौड़ीय मठ का जो मूल प्रतिष्ठा था, नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का आज तिरुभाव महामहोत्सव है। कहते अगर इस जगत में ये महापुरुष नहीं आते तो अभी जो थोड़ी बहुत हम लोग भजन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कम से कम तिलक लगाते हैं, गला में तुलसी की कंठी धारण करते हैं, थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं हरिनाम करने के लिए, अगर ये महापुरुष इस जगत में नहीं आते हैं ना, हम इतना नहीं कर सकते। क्योंकि इसको पहले जो वैष्णव लोग आए हैं, कोई कोई तो अपना निर्जन में कोई साधन भजन किया, पता ही नहीं चला, अपना भजन साधन किया और चले गए, हैं आ करके चले गए। लेकिन यही महापुरुष हुए है जो कि उन्होंने अपना भजनानंदी को छोड़ करके उन्होंने गोष्ठानंदी में आए, गोष्ठानंदी समझते हो सब भक्तों को लेकर के जो भजन करते हैं। पहले तो निर्जन भजन करते थे, लेकिन आ करके हम जैसे पापियों को उद्धार करने के लिए उन्होंने जगत में आए, और उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी में महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मर नाम सुखी है या लोक मर गाइवे के कीर्ति, ये भगवान की महाप्रभु का भविष्यवाणी। एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण पृथ्वी में, गली गलियों में, गांव गांव में और शहर शहर में भगवान कहते मेरे नाम गूंज उठेगा, सब लोग प्रसन्न होकर के ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महाप्रभु का भविष्यवाणी है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे महाप्रभु ने जिस जिन भक्तों को जितना करवाना चाहिए था करवाए, है जिसको द्वारा जितना, अगर ये शब्दों को संपूर्ण रूप में जगत में अगर किसने फलीभूत किया तो किसने, ये भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने ही संपूर्ण रूप में सार्थकता किया है। इसलिए किसने प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद हर शहर शहर में गांव गांव में एक गौड़ीय मठ होनी चाहिए, हैं शहर शहर में गांव गांव में गौड़ीय मठ। प्रभुपाद कहते, तुम कहते शहर शहर गांव गांव, मैं तो चाहता हूँ हर घर घर में गौड़ीय मठ हो, हर घर घर में गौड़ीय मठ नहीं, इसलिए प्रभुपाद कहते थे हर एक इंसान को मैं मठ बनाना चाहता हूँ। ये जो हम तिलक लगाते ना, तिलक क्या है, हरि मंदिर है, ये तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। इनकी इच्छा है हर व्यक्ति है, इनकी भविष्यवाणी हर व्यक्ति क्या हो, हर व्यक्ति एक एक भगवान के मंदिर बन जाए, घर घर में जन जन में भगवान के नाम को गूंज उठे, इनकी ये, इनकी ये इच्छा थी है। इसलिए कहते अगर ये महापुरुष जगत में नहीं आते ना, गुरु जी कहते थे ये दुनिया अभी जिंदा नहीं रहता, खत्म हो जाता, ये दुनिया नहीं रहता। अब लोगों को पता है अभी हर देश के साथ में हर देश का लड़ाई, हर व्यक्ति आटम बम बना करके रखा, आपको पता है कि नहीं, कहते अगर 25% जितने आटम बम बना कर रखे अगर इतना गिराएगा ना, ये पृथ्वी नहीं रहेगा, ये पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा। आपको पता हर देश दूसरे देश को धमकी दे रहा है, लेकिन अभी गिर नहीं रहा है, क्यों नहीं गिर रहा है, कारण क्या है, ये प्रभुपाद की वजह से। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये केवल प्रभुपाद की वजह से ये गिर नहीं रहा है, क्योंकि अगर ये प्रभुपाद नहीं आते है ना जगत में, हैं ये नहीं आते तो ये महापुरुष अभी जो थोड़ी बहुत जो तिलक कंठी माला धारण हम किए, ये सब चीज जगत में कोई नहीं रहता,
नहीं रहता जगत में हैं। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में क्या बोले, कृष्ण अर्जुन कहते हैं, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रविशति, तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं। भक्तों को जरा प्रतिज्ञा करवाते क्यों, कहते मेरी प्रतिज्ञा तो मैं कभी तोड़ देता हूं लेकिन भक्तों का प्रतिज्ञा को मैं कभी तोड़ता नहीं। इसलिए भगवान की प्रतिज्ञा जो भजन करते उनका विनाश नहीं। अगर वो एटम बम पड़ेगा, जो गौड़ीय मठ के जो भक्त है, इस्कॉन के जो भक्त है, जो कंठी गला में माला धारण करके ये हरे कृष्ण नाम करते है, वो भी तो मर जाएंगे ना। लेकिन भगवान प्रतिज्ञा किया है मेरे भक्तों का विनाश नहीं। इसलिए ये प्रभुपाद की कृपा है, अभी ये एटम बम नहीं गिर रहा है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। इसलिए कहते अगर ये महापुरुष, गुरु जी कहते थे अगर ये महापुरुष नहीं आते है ना, ये पृथ्वी अभी जिंदा नहीं रहता, ये पृथ्वी ध्वंस हो जाती है, इतने ये महापुरुष की कृपा है। इसलिए गुरु जी कहते थे यही महापुरुष हुए हैं जो संपूर्ण पृथ्वी में महापुरुष का वाणी प्रचार किए। गुरु जी कहते थे अभी प्रश्न है, भैया ये महापुरुष के अंदर में इतने कृपा कैसे आ गई। इसलिए हमारी भक्ति प्रज्ञान कैसे, गोस्वामी महाराज कहते थे बोले अभी तक जगत में जितने सब आचार्य लोग आए हैं, वैष्णव लोग आए, कहते एक तराजू ले लो, एक तराजू का एक तरफ में ये जितने सब अभी तक जितने वैष्णव जगत में आए उनकी जो देह इनकी जो कृपा को तराजू का एक तरफ में रखो और तराजू के दूसरे तरफ में केवल प्रभुपाद का जो देन है, प्रभुपाद ने जगत में जो दिया है इनकी जो कृपा को अगर एक तरफ में रखो ना, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे इनका कृपा आप देखोगे इनकी पल्ला भारी पड़ेगा, इनकी पल्ला भारी पड़ेगा। क्यों, अभी तक जितने आचार्य लोग आए हैं प्रचार तक किए हैं, कहीं एक थोड़ी गाँव में जाकर के इधर उधर थोड़ी दूर लोगों को केवल भक्त बनाए, ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन संपूर्ण विश्वव्यापी जो प्रचार है, आप लोगों जो इतने जो कंठी माला यहाँ पर तो इतने बैठे, हमारे जितने गौड़ीय मठ में भी सारी दुनिया में, जगन्नाथपुरी में, वृंदावन में, नवद्वीप में कितने भक्त लोग, और जितने गौड़ीय मठ जितने इस्कॉन में आज देखो कितने तुम्हारे जैसे तिलक कंठीधारी बैठी होंगी कितने। इसलिए एक भविष्यवाणी था भक्त विनोद ठाकुर का, एक दिन ऐसे आएगा सारे जो संप्रदाय है श्री महाप्रभु को धारा में ही, ये सारे संप्रदाय महाप्रभु को धारा में आ जाएगी, कोई संप्रदाय रहेगा नहीं, एक ही संप्रदाय रह जाएगा श्री ब्रह्ममाद्य श्री गौड़ीय संप्रदाय श्री सचिनंदन गौर हरि की। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। हाँ, इनका भविष्यवाणी यही है। हाँ, सचमुच से ना कहीं वृंदावन में जाओ, ज्यादा जिधर देखोगे ना सब हमारे तिलक जैसे, सारे गली गलियों में देखोगे कंठी माला, सब हमारी महाप्रभु की धारा के जितने भक्त लोग हैं सब महाप्रभु की धारा के हैं। इसलिए गुरु जी कहते थे अभी प्रश्न होता है, भैया इनके अंदर में इतनी कृपा कहाँ से उमड़ पड़ी, इतने कृपा इनके कैसे इनके अंदर में आई जो कि सारा विश्व व्यापी भक्ति प्रचार किया। इसलिए गुरु जी कहते थे कि ये महापुरुष है कौन, कहते वृषभानु सुता दई तानो चरम चरणाश्रित रे नोधा रास्ता महा महदूत पावन शक्ति पदा प्रणमामि सदा प्रभु पाद पद प्रणमा सदा प्रभु पाद पद प्रणमा सदा प्रभु पाद पद। इसलिए गुरु जी कहते थे कहते ये महापुरुष कौन है, बोले वृषभानु सुता दयितानु चरम, कहते ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये राधा रानी की ये निजजन है। कहते राधा रानी के नयन मणिमंजरी, नयन मतलब होता है आंखें है, मणि मतलब आंखों के अंदर में जो पुतला दिख रहा है ना, कहते ये राधा रानी की आंख की ये पुतला है श्री प्रभुपाद है, हैं? जैसे हम कहते हैं ना कृपा दृष्टि करो प्रभु जगत प्रति, राधा रानी कौन है, करुणा कुरुमयी
करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते। इसलिए राधा रानी अत्यंत दयालु अत्यंत कृपालु। एक स्वरूप में जो श्री राधा रानी कौन है, ये जगत का माँ है, ये जगत की माँ। माँ कभी बच्चों का दुख नहीं देख सकती है। अगर बच्चे सुख हो ना देखना पिता माता सुखी रहते हैं, अगर बच्चे दुखी तो देखना पिता माता भी सुखी नहीं रह सकते हैं। इसलिए जगत का माँ एक स्वरूप में श्री राधा रानी, हम उनकी बच्चे हैं। अगर बच्चे अगर संसार में दुखी भोग करे माँ कभी खुश रह सकता है नहीं। इसलिए जगत का दुर्दशा को देख करके राधा रानी स्वयं श्री नयनमणि मंजरी श्री प्रभुपाद को बुलाए, बोले नयनमणि मंजरी देखो ये जगत का दुर्दशा को देखो, कैसे जीव लोग दुख कष्ट पा रहे, जाओ जा करके तुम अकेले मत जाओ, तुम अपना परिकरों को लेकर के जाओ। और परिकरों को लेकर के तुम लेकर क्या करो, जगत में हरि भक्ति की जगत में प्रचार करो हैं। इसलिए मानो राधा रानी की जो पुतला, मतलब कृपा कैसे करते हैं दृष्टि से ना, अगर कृपा दृष्टि करो प्रभु जगत रे प्रति, कहते कृपा रूपी दृष्टि करो हमारे ऊपर में, कृपा तो होता है दृष्टि से। मानो राधा रानी की जो दृष्टि है, कहते हैं ना मुनिंद्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न भक्त पंकज निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सुनु संगते सदा करी ससीह मां कृपा कटाक्ष। इसलिए कहते हैं सदा करी ससीह मां कृपा कटाक्ष भाजनम। हे श्री किशोरी जो कब हमें आप कृपा करके आपकी कृपा कटाक्ष की भाजन बनाओगे, हमें अपना अधिकारी बनाओगे। कहते राधा रानी की कृपा कटाक्ष किया है, बोले त्रिलोक शोक हारिणी, त्रिलोकों का जो शोक है समस्त शोक को जो नष्ट करने वाले कौन है, श्री राधा रानी की कृपा। इसलिए तीन लोगों का शोक को दूर करने वाले, इसलिए मानो राधा रानी का जो दृष्टि शक्ति उनको जो कृपा शक्ति ही ये त्रिलोकों का शोक को हरण करने के लिए श्री ये प्रभुपाद रूप में जगत में ये अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए इसीलिए जगत में प्रभुपाद जगत में आकर के उन्होंने क्या किया, सचमुच से उन्होंने कृपा आकर के राधा रानी की कृपा ही आकर के हम जितने जीवों का ऊपर में उन्होंने उन्होंने कृपा की है, हैं हम लोगों पर उन्होंने आशीर्वाद किया है। इसलिए आज का दिन इनकी तिरुभाव महामहोत्सव है, मतलब उन्होंने ये संसार को छोड़ करके अपना नित्य लीला में उन्होंने प्रवेश किया है। एक अद्भुत घटना हुई है, जानते हो जिस समय ये महापुरुष ने शरीर छोड़ा, उन्होंने शरीर जो छोड़े है ना, उन्होंने ये शरीर को छोड़े कहते श्री बाग बाजार गौरी मठ कलकत्ता में, एक आश्चर्य घटना हुई। जिस समय उनके शरीर छूटा है उसी समय रात को शरीर छोड़े हैं, कितने बजे, शाम को 5:30 बजे जिस समय, नहीं रात को मुझे लगता है। इसलिए जिस समय उन्होंने शरीर छोड़े हैं उसी समय में ये गौड़ीय मठ में जितने घंटा था ना घड़ी थी, वो घड़ी उसी समय बंद हो गया, सारे घड़ी बंद मंदिर का। देखो इनकी जो इनका जो दिव्य लीला आश्चर्य देखो, शरीर छोटे समय अपने आप सारी घड़ी बंद हो गई उस समय, और देखा उस समय सारे मंदिर का घड़ी बंद पड़ा हुआ है, सारे घड़ी बंद पड़ी हुई उस समय। आश्चर्य घटना जब उन्होंने ये शरीर को जब उन्होंने छोड़े, तब समझो ये महापुरुष की कितने महिमा, ये महापुरुष की। इसलिए आज उनकी तिरुभाव तिथि है, यहाँ पर कुछ कुछ भक्त लोग हैं, ये लोग सब लोग थोड़ी थोड़ी समय उनके चरण में पुष्पांजलि प्रदान करेंगे, हम उनकी वाणी रूपी पुष्पांजलि प्रदान करेंगे, क्योंकि इनकी कथा सुनने से हमारे हृदय में भी भक्ति का बल बढ़ता है। इसलिए महाप्रभु जब भागवत कथा सुनने जाते थे गदाधर पंडित के पास में, बोले गदाधर बताओ आज तुम कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो, गदाधर प्रभु महाप्रभु बोलते थे, महाप्रभु बोलते थे हमें भक्तों का चरित्र सुना, ध्रुव प्रह्लाद अम्बरीश ये भक्तों का चरित्र सुना, क्यों, भक्तों की कथा सुनने से हृदय में बल आता है। अरे इन्होंने इतने हरिनाम करते थे रूपा 3-3 लाख दिन में, हैं 10-12 साल तक उन्होंने 3-3 लाख हरिनाम किया, तभी जगत में इतने उनके नाम गूंज रहा है, जगत में इतने उनके नाम हो रहे हैं। कारण क्या है, स्वयं उन्होंने साधन किया है। इसलिए इनकी चरित्र सुनने से हमारे हृदय में भी भक्ति की बल बढ़ती है। आज भक्त लोग उनके चरण में थोड़ी थोड़ी पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। प्रभु जी आप कुछ बोलो, हमारे श्री
क्या नाम? जदुनंदन प्रभु जी, उनके चरण में कुछ पुष्पांजलि प्रदान कर जदुनंदन। चलो अच्छा हुआ पहली बार पहला नंबर मेरा ही आ गया, नहीं तो बाकी सब बोल जाते, मैं कुछ नहीं बोल पाता। ओम अज्ञान त्रिमंदस्य ज्ञानंजन चला गया। जस गुरु मिलितम येन तस्मै श्री गुरु नमः। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णवत्ताय तदवत्ताय हे कृष्ण करुणासिंधु। दीनबंधु जगत सते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभांशा कल्पवच कृपा सिंधु वच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। ओं विष्णुपदाय रूपपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण इति नामने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषक्षुण्वाणी पाश्चादेस्तवाने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। जीत जीत प्रभु जी है इधर आ जाओ। सर्वप्रथम में नित्य लीला ओम प्रविष्ट अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गुरु नारायण गोस्वामी महाराज गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ, अवे की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद संपूर्ण परंपरा के चरणों में मेरा कोटि कोटि वाटन प्रणाम है। और यहाँ उपस्थित हमारे शिक्षा गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। और यथा योग्य जितने वैष्णव हैं सबके चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम है। हरे कृष्णा। आज इनका हम त्रोत्सव जो मना रहे हैं, ये जो उत्सव मना रहे हैं, उनका नाम ही देखो, नाम से ही बहुत कुछ पता लग जाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद। और गुरुदेव कहते थे कि सिंह का बेटा सिंह होता है। इनको सिंह भी, इनका जब बोलते हैं तो सिंह आचार्य रूपणे। तो इन्होंने, इनका जन्म तो जगन्नाथपुरी में हुआ और इनके पिताजी ने जो शास्त्र लिखे थे, बहुत सारे शास्त्र लिखे, और शास्त्र लिखने के बाद में भी भगवान से प्रार्थना करी कोई ऐसा पुत्र होना चाहिए जो इनका प्रचार कर सके। तो जब इनका जन्म हुआ था तो नेचुरल इनके शरीर पे जनेऊ का निशान था। और जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा हो रही थी, तिलक तिलक भी था, द्वादश अंग पूरा निशान थे। इससे सिद्ध होता है साधारण पुरुष नहीं है। जैसे कैसे ना, श्री कृष्ण कृपा मूर्ति, जब कृष्ण कृपा करते हैं तो वही कृष्ण मूर्ति के रूप में ये आचार्य बनते हैं। जैसे कैसे, जैसे हमारे जब छोटे छोटे बच्चे जब दुखी होते हैं तो माँ बाप को बड़ा दुख होता है। माँ बाप को जब दुख होता है तो कृपा करते हैं ना बच्चों के ऊपर। तो ऐसे ही जब यहाँ के जगत के लोग जब दुखी होते हैं, माया इनको मार मारती है, कष्ट देती है, और एक अनंत जन्म से जो भोगों में जो लिप्त हो रहे हैं, तो जब कृष्ण कृपा करते हैं तो वही श्री कृष्ण कृपा मूर्ति, श्री कृष्ण की कृपा ही जो मूर्ति है, ये हमारे आचार्य हैं। ये कोई साधारण नहीं है, ये केवल कृपा करने के लिए हमारे ऊपर आते हैं। सिद्धांत, इनका नाम ही सिद्धांत है, और सिंह तो थे ही थे। इनका जो सिद्धांत है बिल्कुल परफेक्ट। अगर कोई पहले जो मायावाद बहुत हो रहा था, जब मायावाद हो रहा था तो जगह जगह यथायथ आचार हो रहे थे, वो उल्टा सीधा सब लोगों को पढ़ा रहे थे। तो इनको जब सिंह बोलते हैं तो जब ये रास्ते से जब जाते थे और कोई मायावादी अगर गुरु मिल जाए तो इनको देख करके ना वो थोड़ा किनारा हो जाता था, क्योंकि प्रश्न करते थे, सिद्धांत स्थापित कर देते थे कि तुम यहाँ गलत हो यहाँ सही हो। और इसीलिए इनको सिंह बोलते थे, इनके आगे कोई टिकता नहीं था। बचपन से बड़े विद्वान थे, सारे शास्त्रों का ज्ञान था। और ज्योतिष है ना, ज्योतिष, सूर्य कितना, एक चंद्र से दूसरा चंद्र कितना दूर है, ये पूरा मतलब सरस्वती का ही पूरा बाज था। और जब एक बार जब जगन्नाथ यात्रा हो रही थी, जब छोटे थे, दो तीन दिन के थे महाराज जी, जब कुछ महीने के तीन महीने के थे शायद, जब छोटे ही थे,
तो जगन्नाथ जी का जब रथ आगे आया तो मठ के आगे जैसे ही रथ आया तो ठाकुर जी का रथ रुक गया, बहुत खींचा नहीं खींच रहा, हाथी लगाए घोड़ा लगाए नहीं खींचा। लेकिन जब इनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर जस थे, जब वो लेकर के आए और जगन्नाथ जी के आगे इनका सर रखा माथा, जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं हम सर रखता, तो नेचुरल माला जगन्नाथ जी ने देखा मेरा भक्त आ गया, बड़ा खुश हुए और नेचुरल माला इनके गले में, तब रथ चला। हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं, भगवान ऐसे भक्तों का दर्शन करने के लिए रुक जाते हैं। एक बार इन्होंने आम, हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादा भूख लगती है भोग भी नहीं लगाते नहीं, और कभी कभी क्या करते हैं, अरे जल्दी कर लेट हो रहा हूँ लेट हो रहा हूँ, 5 मिनट 10 मिनट की जगह 2 मिनट में ही अपना फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। एक बार बिना भोग लगाई गलती से इन्होंने आम खा लिए, और जब इन्होंने आम खा लिए तो पूरे जीवन इन्होंने फिर आम शिक्षा प्राप्त करो, पहले उनको दे करके प्रसाद रूप में ग्रहण करनी चाहिए। कहते प्रसाद है सर्व दुखानाम, भगवान को कोई चीज भोग लगा कर खाओ कभी जिंदगी में किसको दुख नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्मी किसके ऊपर में कृपा करती है। इसलिए प्रभुपाद ने शासन किया, बिना भगवान के भोग लगाए तुमने भजन कैसे कर दिया, ये तुम्हारी अपराध। तब से उन्होंने प्रतिज्ञा की जीवन में कभी मैं आम नहीं खाऊंगा, इसलिए जीवन भर उन्होंने आम नहीं खाए, क्योंकि बिना भोग लगाए हमने, जैसे कभी मार्केट में जाते हो कोई चीज कभी खाना पड़ जाता है, उस समय कितना कर सकते हो, गले में जो तुलसी है ना उसको टच करा दो और उसको वृंदाई तुलसी देव भाई श्लोक तो याद होगा ना, वृंदाई तुलसी देव भाई प्रियाई केशव कृष्ण भक्ति प्रिय देवी सत्यवती, इतना बोल करके फिर उसको ऊपर में जो गोपाल मंत्र आपको मिला होगा गोपाल मंत्र पढ़ लो, नहीं तो ये हरे कृष्ण महामंत्र बोल लो फिर उसको खा लो नहीं तो। इसलिए प्रभुपाद ने इस चीज को शिक्षा देने के लिए, उधर राधा रानी की नयन मनी मजे उनको कभी गलत हो सकता है, गलती हमारी हो उनकी कभी गलती नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को शिक्षा के लिए उन्होंने जगत में इसे दिला। देखो सिद्धांत कितने प्रकट है, कहते हैं ना सिंह आचार्य पुणे, सिंह का बेटा सिंह हुआ, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी फिर हमारे गुरुदेव हुए, गुरुदेव भी कहते थे सिंह का बेटा सिंह। अभी महाराज जी कह रहे थे ना जैसे परमाणु बम एक दूसरे से दूसरे बम उसमें नहीं फेंक सकते इन्हीं के कारण, लेकिन इनकी जो बाणी है वो परमाणु बम से भी तगड़ी है। आज पूरे वर्ल्ड में जो बाणी गई है जो परमाणु बम काम नहीं कर सकता, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जो गया है, भक्ति सिद्धांत हमारे गुरुदेव जो गए और भक्ति विधान देसी स्वामी प्रभुपाद जी गए, महाराज जी जा रहे हैं और महाराज जी जा रहे हैं कि सिंह के बेटे सिंह ही तो है और कौन है। अब ये सिंह जा रहे हैं, वो परमाणु तो शरीर का नाश कर सकता है नहीं, आत्मा का नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने आत्मा का उद्धार किया है। बड़े बड़े जो अंग्रेज जो होते थे जिनके खाने पीने का रहने सहने का पहनने का कोई ढंग नहीं था, इन्हीं की कृपा से माला तिलक कंठी ये क्या है, यही तो है। और एक बार प्रभुपाद जी इनके जो भक्ति सिद्धांत ये भक्ति वेदांत ऐसी स्वामी जो इन्होंने स्वामी जी महाराज जी जो हैं, इन्होंने तो केवल 1 या 2 घंटे ही बात करी नहीं महाराज जी, और तभी ग्रहण कर लिया। और इनकी कहा कि तुम अंग्रेजी अच्छी बोलते हो तो विदेश में प्रचार करने जाओ, तो आज पूरे वर्ल्ड में इन्हीं की कृपा से इन्होंने 64 गौड़िया मठों का स्थापित करी, और इस 64 गौड़िया मठ स्थापित करने के बाद ये कहते थे कि अगर मैं एक व्यक्ति का भी अगर हृदय परिवर्तन कर दूं तो ये ईंट पत्थर जो लोहा सरिया जो लगाया है ये मेरा सिद्ध हो जाएगा, लेकिन उनकी कृपा से एक क्या कितने का हृदय परिवर्तन हुआ कोई गिनती आज हृदय भक्तों की चलधारियों की है नहीं करती, लेकिन गौड़िया मठ में खासियत है। हमारा घर पड़ता है वृंदावन के पास ही पड़ता है, लेकिन हम जब वृंदावन में जाते थे ना तो जैसे किसी दूसरी हम संस्था में जब पहले गए तो वहाँ कृष्ण कथा के अलावा ये कृष्ण कथा कहने वाला होता था, बस वो ही कहनी और दूसरे ने कहनी नहीं, जाके कथा सुनते थे। लेकिन गौड़िया मठ में जब से आए तब से भक्तों की कथा कीर्तन भंडार जैसे कहते हैं ना शेर का बेटा शेर है, यहाँ जितने बैठे हैं ना महाराज जी जिसको सारा करते हैं वो भी सिंह की तरह दाड़े लगेगा।
तो ये उनकी जो बाणी है, उनका जो सिद्धांत है यही है। और वो कहते थे कि ये गौड़िया मठ वाले हैं ना, ये अपनी अपनी चलाते हैं। मैं मथुरा की बात बता रहा हूँ, ये क्या अपनी अपनी चलाते हैं, दूसरे की सुनते नहीं, मानते नहीं। ये सच बात है, क्योंकि ये सिद्धांत सिद्धित करते हैं। मनगढ़ंत बात जो कहते हैं उनको बिल्कुल मानते ही नहीं है, नहीं नहीं भाई ये तेरे। और इन्होंने 64 गौड़िया मठ और बहुत सारे शास्त्र लिखे। बस मैं थोड़ा ही बोलूंगा, फिर ताली बोलोगे। गुरुवे नमः। नमो विष्णु पादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमते भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महंतम नारायणं त्वं श्रीसाम नमामि। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि शिवार भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बार जोर करके बोलो हरे कृष्ण कृष्ण नारायण प्रणाम करते हुए उनकी रहित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत अभिन्न गुरु पाद पद्म मध्य शिक्षा गुरुदेव मंचाधीन शिष्यवत भक्ति विधान श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में भी अनंत कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत समस्त रूपानु गुरु परंपरा के त्रिचरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी भी कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मात्र मंडली कथापि पासु स्रोत मंडली सज्जन वृंद सभी के चरणों में मेरा यथोचित दंडवत प्रणाम है। और विशेष प्रणाम आज जिनकी शुभ तिथि त्रुभाव तिथि महाराज जी त्रुभाव तिथि हम लोगों के सौभाग्य से उपस्थित हुई है, ऐसे जगत गुरु जगत वंदनीय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद जी के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी भी कृपा की वांछा करता हूँ। और महाराज जी के चरणों में पुनः पुनः निवेदन करता हूँ, महाराज जी मैं सो गया हूँ या सोने का नाटक कर रहा हूँ, आप मेरे को लात मार के जगाते रहना। सुबह की घटना है, आज ही सुबह की, मेरा आने का विचार नहीं था क्योंकि मेरा 11:30 बजे से प्रोग्राम था वसुंधरा में। तो महाराज जी ने सुबह फोन किया कि कब आ रहे हो, मेरे पास जवाब ही नहीं, प्रश्न ही ऐसा कब आ रहे हो, मुझे तो आना ही नहीं था। तो सीधा प्रश्न ऐसा कि कब आ रहे हो, महाराज जी मेरा एक प्रोग्राम है वसुंधरा में सेक्टर 5 में 11:30 बजे से, तो मैं तो वहां जाऊंगा। अरे तुम्हें पता नहीं है आज प्रभुपाद जी की तिथि है, तुमको यहाँ आना चाहिए। महाराज जी से मेरे को बोले तुमको पता नहीं आज प्रभुपाद जी की तिथि है, तुमको यहाँ आना चाहिए। महाराज जी ठीक है मैं आ रहा हूँ, बस इतना ही मैंने कहा। फिर इतनी बात भी महाराज जी, तो मैं ठीक है महाराज जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं सीधा चला आया हूँ। अभी 11:30 वहाँ प्रोग्राम है, तो ठीक है वो लोग इंतजार कर लेंगे कुछ देर। तो महाराज जी आपके चरणों में निवेदन है, ऐसे ही बस प्रेम से हो, प्रेम से ना समझू तो लात मार के कैसे भी करके जगा देना, क्योंकि मैं भी एक बहुत बड़ा बद्ध जीव हूँ, माया का जीव हूँ, माया में ही फंस जाऊंगा नहीं तो। जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद, इनके नाम से जगत में शायद आज कोई ऐसा ही दुर्भागा व्यक्ति होगा जो परिचित नहीं होगा। हम लोग सौभाग्यवान हैं कि हम परिचित हुए हैं इस नाम से परिचित होना भी सौभाग्य है। इनके उपदेशों का जीवन में पालन होगा कि नहीं होगा ये हमको नहीं पता, लेकिन गुरुदेव की कृपा और हमारा थोड़ा बहुत प्रयास होगा तो हम कुछ पालन कर पाएंगे। इनके बहुत उपदेश हैं, जैसे मेरे पूर्व भक्ता मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता पूज्यपाद यदुनंदन प्रभु ने बताया कुछ विषय में इनके थोड़ा, लेकिन इनके उपदेश अपार है, अपार सिंधु की तरह ही इनके उपदेश है। इनके इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म और वृद्ध से वृद्ध उपदेश हैं कि उनका पालन करना शायद ही संभव हो पाए, लेकिन हो जाएगा कब, जब ऐसे जो हमारे भगवान के शुद्ध भक्त हमारे गुरुवर्ग इनकी छत्र छाया में हम होंगे।
तो उद्देश्य का पालन भी हो जाएगा। इतने दिन प्रभु कह रहे थे अभी कृष्ण कृपा मूर्ति, तो सुनते सुनते मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि अरे भैया ये जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभात कौन है, जैसे महाराज जी बताते हैं ना अपनी सुरीली और मधुर भाषा में कि श्री राधा जी की नयन मणि मंजरी हैं। अरे श्री राधा जी की जो नयन मणि मंजरी हैं, जो कुंज कुंज की लीला में श्री किशोर जी के चरणों की सेवा कर रही हैं, उस कुंज में प्रवेश के लिए भी कृष्ण जो हाथ जोड़ के बाहर खड़े रहते हैं और ये आज्ञा ना दें तो कृष्ण का भी प्रवेश ना हो, तो कृष्ण कृपा मूर्ति मेरे को लगता है कि जैसे कुछ कम हो गया, मुझे लगता है ये श्री राधा जी की कृपा मूर्ति है। मुझे जो लगता है कि कृष्ण कृपा मूर्ति ठीक है हम समझ रहे हैं, लेकिन जिस कुंज में किशोरी जी विराजमान है और उस कुंज की सेवा में ये है और वहां कृष्ण हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं और उनको आने दिया जाए कि ना आने दिया जाए, ये भी यही जो मंजरी है हमारी यही निर्णय लेती है, तो राधा जी की जिन पे कृपा है, जो राधा जी की नयन मन मंजरी है, तो कृष्ण कृपा मूर्ति भी मुझे कुछ छोटा लगा, ये राधा जी की कृपा मूर्ति है। तो उपदेश इनके बहुत है, मैं अपने जीवन में पालन करने का प्रयास कर रहा हूं कि ये कहते हैं कि हरिनाम ग्रहण करना और भगवत साक्षात्कार होना दोनों एक ही बात है। मैं अपने जीवन में इसका कुछ पालन करने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो सदगुरुदेव ने भगवान का नाम दिया है ना, ये कैसे भगवत साक्षात्कार होना, प्रभुपाद जी तो कह रहे हैं इस बात को कि नाम ग्रहण करना और भगवत साक्षात्कार होना दोनों एक ही बात है, पर हमको अभी नहीं हो पा रहा है। तो इसी प्रोसेस में अपने आप को मैं लगा के प्रयास कर रहा हूं कि गुरु वैष्णव की सेवा करते करते ये उपदेश का मैं कुछ अनुभव कर लूं। क्या नाम तो ग्रहण हो गया गुरुदेव की कृपा से, पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत साक्षात्कार होना, लेकिन अभी वो कुछ हो नहीं पा रहा है, जैसे उसकी कुछ अनुभूति नहीं हो रही है। तो प्रभुपाद कृपा करें, ये जो इन्होंने उपदेश दिया है गुरुदेव कृपा करें और श्री महाराज जी विशेष रूप से कृपा करें कि ये उपदेश का जीवन में कुछ अनुभव हो जाए, क्योंकि मुझे आगे भी जाना है, कहने को तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो प्रभुपाद जी के विषय में आ रही हैं, क्योंकि इनकी कथाएं सुनते सुनते महाराज जी के मुख से और अन्य अन्य वैष्णवों से बहुत आनंद होता है, लेकिन मेरा अभी सौभाग्य बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम करता हूँ। वांछा करते जीत जी, जीत जी, 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 तो दामोदर इधर आ जा, दामोदर हाँ देखो इन्हें, इसलिए इन्होंने जो बताया ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती बैठी, भक्ति इनका नाम ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती है, इन्होंने सिद्धांत में ऐसे प्रतिष्ठित है भागवत में जो बताए, कलयुग में अगर कोई प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं उनको चार नियम पालन करने चाहिए, क्योंकि कली का स्थान चार का स्थान है, दूतम पहला नंबर जुआ नहीं खेलनी चाहिए, दूतम पानम किसी तरह का नस्ली वस्तु को नहीं लेनी चाहिए, पान बीड़ सिगरेट अफीम गंजा भांग तंबाकू, लेकिन प्रभुपाद ने नियम बनाए, इन्होंने चाय तक भी अगर कोई शुद्ध भक्ति अगर कही ना, क्योंकि चाय में निकोटीन है कभी नहीं है, ये भी एक नस्ली वस्तु, जैसे जो व्यक्ति शराब पीते हैं देखना शराब पीने का समय आ जाए अगर शराब नहीं पीगा क्या होता है, बेचैनी से हो जाता है, क्योंकि ये चाय में भी निकोटीन कैफीन डाला हुआ, अब चाय पियो चाय पीने का समय आ जाए अगर चाय मत पियो क्या होता है, सर दुखना शुरू हो जाता है, क्यों उसमें नस्ली वस्तु है। इसलिए प्रभुपाद ने जो गौड़ीय और भी गौड़ीय वैष्णव आवाज लोग है, लेकिन कोई गुटखा खाते हैं, कोई है कोई गुटखा खाते हैं, कोई चाय पीते हैं, कोई सिगरेट भी फूंकते हैं, लेकिन ये प्रभुपाद ये गौड़ीय मठ इस्कॉन में जो प्रभुपाद ने ये जो उसको जो स्थापन किया ना, किसी ने जब जिसमें प्रभुपाद प्रचार प्रसार इतने तोड़ थोड़ से हो रहा था, इतने जोर जबरदस्ती हो रहा था, सारा दुनिया के लोग का टहलका मच गया उस समय में, जितने अपसंप्रदाय थे सबके सब हिल गए इतने कठोर रूप में, इसलिए इनका नाम भक्ति सिद्धांत है, सिद्धांत के सरस्वती है, इसलिए सारा दुनिया में टहलका मच गई, किसी ने आकर के प्रभुपाद से बोले प्रभुपाद अगर आप दो चीज को छूट दे दोगे ना, पृथ्वी का सारे संप्रदाय आकर के आपकी एक संप्रदाय में मिल जाएगा, लेकिन प्रभुपाद कहते दो चीज की आप ले, एक चाय और एक बीड़ी एक चाय और एक बीड़ी, कहते ये दो चीज को छूट दे दो पृथ्वी का सारे संप्रदाय एक संप्रदाय में आ जाएगा, लेकिन प्रभुपाद कहते हमें एक चंद्रमा की जरूरत है, लाखों तारा की हमें
जरूरत नहीं। एक हमें केवल क्योंकि एक चंद्रमा देखना सारे अंधकार को दूर कर देता है, लेकिन लाखों जो तारे हैं वो कोई काम में आते हैं क्या? कुछ काम में नहीं आते हैं। इसलिए प्रभुपाद उन्होंने देखो सचमुच से देखो दूसरे दूसरे संप्रदाय में जितना लोग नहीं है, इतना लोग नहीं जितने ये हमारे गौड़ीय वैष्णव में जितने लोग हैं, इतने लोग है किसी संप्रदाय में। हाँ भेड़ चाल जैसे कुछ ऐसे संघ है जो भेड़ चाल जैसे सारा दुनिया प्याज लहसुन भी खा रहे हैं, मांस मछली खा रहे, बोले हम गुरु जी से सब दीक्षा मंत्र ले ली, हमें दीक्षा मंत्र मिल गया है, दीक्षा मंत्र मिल गया। लेकिन हमारे महाप्रभु धारा में प्रभुपाद के धारा में नहीं, इतना आसानी नहीं दीक्षा मंत्र लेना, पूरा शुद्ध रूप में कथा भैया एक चंद्रमा की जरूरत हमें ज्यादा। इसलिए ये ऐसे एक महापुरुष हुए कली को संपूर्ण रूप में जो निष्कासन करने वाले निकालने वाले से प्रभुपाद जी है। अभी हमारे जीत प्रभु जी अभी कुछ कथा सुनाएंगे। जीत प्रभु जी बड़े कष्ट करके है कहते सर हाँ जीत प्रभु जी यहाँ पर हरे कृष्णा क्षमा करना। तो श्री गुरुदेव की तिथि है जो हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर मठ मंदिर में मनाएंगे, यहाँ भी प्रोग्राम होगा दिल्ली भी, हम वो तिथि 26 तारीख को मना रहे हैं। श्री महाराज जी के अनुगत्य में गाजियाबाद में गुरुदेव की जो तिथि है मिलन ब्रह महोत्सव उसको हम 26 तारीख को मना रहे हैं। 10 बजे से प्रोग्राम है, 10 से 1। आप सब लोगों को निमंत्रण है, आप लोग आइएगा। आप लोगों को अभी व्हाट्सएप पे हरे कृष्णा जीपीए, हरे कृष्णा हरि बोल जीपीके में सब मिल जाएगा एड्रेस वगैरह। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि गुरुदेव की स्थिति में आप लोग आइए, सभी लोग शामिल हो जी। हरे कृष्णा। ओम ज्ञान तिमिरांतस्य ज्ञान अंजन सलाकया चक्षुरन विलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णु पादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशाविति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवासवानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमज्ञ श्रीरूपानंद भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणे श्री मूर्ते दीन तारिणे रूपानुग वृद्ध सिद्धांत ज्वंत हरिणे वंचा कल्पतरुभस्य कृपा सिंधु बहेव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का चारित्र दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील नारायण गुस्से महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त प्रपाद आश्रित समस्त सारस्वत गौड़ी वैष्णव के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद जी के चरण कमलों में भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद हमारे पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, महाराज जी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। जितने वैष्णव लोग आए, वैष्णव लोग वैष्णवी माताएं प्रभु लोग सभी के चरणों में यथायोग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं आज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की विरह तिथि हम लोग मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो ये जो विरह तिथि है ये सर्वत्र विश्व पूरे विश्व में मनाई जा रही है, मायापुर में भी मनाई जा रही है, जगन्नाथपुरी में भी है, वृंदावन में भी है, हाँ विदेशों में भी जगह जगह इस्कॉन में भी है, गौड़ी मठ में भी है। बता रहे थे महाराज जी जितने भी इस्कॉन मंदिर है, जितने भी गौड़ी है वैष्णव, जितने भी गौड़ी मठ है, सबके मूल स्रोत सारे विश्व के जो प्रचारक है युग युग धर्म धुरंधर पात्र बरम बर धावय दायक पूज्य कदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद कदम,
उनकी तिथि को हम लोग यहाँ पर उनके दिव्य गुणों को, उनका दिव्य आदर्श को, उनकी दिव्य उपदेशों को, उनके चरित्र का श्रवण करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो जैसे कि अभी महाराज जी भी बता रहे थे और अन्य अन्य वक्ता भी बता रहे थे, अभी मैं कुछ 5 दिनों से रूपा जी का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, गुरु जी के अप्रकट तिथि में गुरु जी का प्रकट स्फूर्ति होना, मतलब गुरु जी के अप्रकट काल में, मतलब आज विरह तिथि है, उनकी विरह तिथि में, आज विरह तिथि नहीं, उनका आज प्रकट दिवस है, कृपा जी का आर्टिकल है। उन्होंने किस दिन लिखा है, उनके गुरु जी माँ भागवत श्री गौर किशोरदास बाबा जी की विरह तिथि पर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, इतना सुंदर आर्टिकल है। तो हम पिछले एक हफ्ते से इसको पढ़ रहे थे, परंतु वो बहुत ही कठिन है, बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही कृपा जी की हृदय की एक एक खिलौरे उसमें बहुत सुंदर सुंदर भावनाएं, गुरु कैसे सेवा करनी है, गुरु क्या होते हैं, गुरु के चरणों में हमें कैसे समर्पण करना होता है। तो उसके बाद ही जैसे कल वो समाप्त हुआ, एक हमारे भक्ति प्रज्ञान नित्य लीला विष्णु भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का भी एक आर्टिकल था, वो भी बिल्कुल सेम था, मतलब उसमें परम गुरु जी और माधुर्य बढ़ गए, उनका और सेवक भाव, दासों का दास है। तो परम गुरु जी कहते हैं आज प्रभुपाद का क्या है, विरह तिथि है, आज प्रभुपाद जगत को छोड़कर नित्य लीला में श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की सेवा को उन्होंने प्राप्त किया है। तो मैं उनके आज प्रकट का दिवस नहीं मानकर मैं आज नित्य मनाने के लिए हम लोग उपस्थित हुए। बोले क्यों, क्योंकि हमारे गुरु जी बोलते थे विरह तिथि क्या है, विरह तिथि एक प्रकाश स्तंभ है, जब सेवा जो हम तमोगुण में जब चले जाते हैं अंधकार हो जाता है, तो गुरुदेव की विरह तिथि प्रकट होकर एक ऐसा प्रकाश प्रकाशित करते हैं हृदय में, उसमें गुरु जी का नित्य आविर्भाव, नित्य गुरुदेव की लीलाएं, नित्य गुरुदेव के उपदेश स्फुरित होते हैं। और क्या है विरह तिथि, क्या है गुरु जी बताते थे विरह तिथि क्या है, जो पथ भ्रष्ट हो गए हैं उनको क्या करती है, पथ पे लाती है। क्योंकि हम लोग आज देखेंगे प्रभुपाद जी का आदर्श देखेंगे और अपना देखेंगे, मतलब हम तो खैर किसी तुलना में नहीं है, पर हाँ ये आएगा प्रभुपाद जिस वाणी को गौरवाणी प्रचारी ने, जिस गौरवाणी को देखे गए थे हम तो बिल्कुल उसके विमुख हो गए, और जिस प्रचार की हम बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी का प्रचार वैशिष्ट्य देखेंगे। प्रभुपाद जी ने जीवन में क्या किया है, कभी भी उन्होंने कहा प्लेटफॉर्म स्पीकर हमें नहीं बनना है, प्लेटफॉर्म स्पीकर क्या होता, रिकॉर्डिंग चला दो चलती रहेगी। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने एक भी बात ऐसी नहीं बोली जो उन्होंने जीवन में आचरण नहीं किया, एक बात भी, सिंगल बात भी उन्होंने ऐसी नहीं बोली जो जीवन में उन्होंने अपनाई नहीं। तो क्या होगा, पथ भ्रष्ट लोगों को वो क्या करती है, पथ को दिखाती है, हाँ, और जो गुरु विमुख हो गए हैं उनको गुरुदेव का मार्ग दिखाती है, और जो शरणागत है उनको नित्य गुरुदेव का प्रकट, उनके लिए प्रकाश स्तंभ है, और जो लोगों ने सेवाएं की है, सेवा उन्मुख है, उनको नित्य क्या करती है, नित्य गुरुदेव का माधुर्य को प्रकट कराती है। जैसे कि क्या है, आज अप्रकट जिस गुरु शिष्य क्या करेगा, एक शरणागत शिष्य क्या करेगा, गुरु जी अप्रकट हो गए हैं तो उस दिन क्या होगा, तरह तरह से एक दिन के अंदर अंदर गुरुदेव की शिक्षाएं बारम्बार रूपाद ऐसे बोलते थे, रूपाद ऐसे चलते थे, रूपाद का ये उपदेश था, प्रभुपाद का जीवों के प्रति कैसी दया थी, प्रभुपाद जी का हरिनाम करते कैसे 100 करोड़ हरिनाम किया, प्रभुपाद ने अपने गुरु की कैसे सेवा की, और उन्होंने क्या किया, प्राण आचार से हेतु प्रचार, कैसे प्रभुपाद अपने जीवन को भी जीवों के क्या किया, जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने लगा दिया। कहते थे गौड़िये मटका एक एक जन 200-200 गैलन रक्त कर खर्च करने के लिए तैयार रहे प्रचार करने के लिए। क्या जैसे एक माँ एक बच्चे को पालती है तो क्या करती है, कितनी मेहनत लगती है, उसको जन्म देती है, जन्म देने के बाद उसको फिर उसके बाथरूम लैट्रिन बाहर कपड़ा बदलना, सूखे में सुलाना, फिर धीरे धीरे नर्सरी पढ़ाना, तेल लगाना, मालिश करना, कितनी मेहनत करती है। कहते एक माँ एक बच्चे को बड़ा करने के लिए जितनी मेहनत करती है, गौड़ी मटका एक एक जन इतना ही उससे कई गुना ज्यादा जीवो कल्याण के लिए सामर्थ्य अपने लिए क्या करे, सामर्थ्य को जुटाना, इतना प्रयास करना। इतना बोला उन्होंने कि बच्चा जैसे कि माँ को बार बार रोता है, माँ बच्चे को छोड़ती नहीं, तो उन्होंने कहा है कि बहुत ऐसा कई बार ऐसा समय आएगा जब क्या होगा, हमारी काफी लोग बहुत प्रशंसा करेंगे, बड़ी मालाएं पहनाएंगे, कभी कभी ऐसा भी दिन आएगा
जब सारा जगत भी तुम्हारी निंदा करेगा, लाख अंतिम उद्देश्य महाराज जी बताएंगे अभी, लाख लाख लांछना लगने पर भी, लाख लाख विपत्ति आने पर भी, कभी भी हरि भजन को मत छोड़ना। हरि भजन ही एकमात्र आत्म कल्याण की चीज है। तो ये जो प्रभुपाद के उपदेश है किसके हृदय में आएंगे? शरणागत व्यक्ति के हृदय में स्फुरित होंगे। पथ भ्रष्ट के में पथ को दिखाएंगे, हर तरह से कल्याण करेगी विरहति थी। तो हम उस स्थिति को अपनाने के लिए हम लोग उपस्थित हुए। मैं भी कुछ प्रभुपाद जी का जो गुरु जी से सुना है, महाराज जी सुना, कुछ एक दो उपदेशों के द्वारा मैं तो समझता हूँ प्रभुपाद जी का एक उपदेश भी जीवन में हमने अपना लिया, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभुपाद जी के उपदेशों को जीवन में आचरण करना तो बहुत दूर की बात, अगर हम समझ भी जाए तो बहुत बड़ी बात है। माता जी पानी जो दे रहे हो, चुपचाप बैठो वहीं पर, बीच में नहीं आना। तो प्रभुपाद जी का हम रोज एक कीर्तन गाते हैं, क्या है? सुजनार्व धरादित पाद युगम युग धर्म धुरंधर पात्र वरम वर धावया दायक पूज्य पदम पण मामी सदा प्रभु पाद पदम। इसी में आती है कि रघु रूप सनातन कीर्ति धर्म धरणी तल कीर्तित जीव कवि कविराज नरोत्तम सबके पदम पण मामी सदा प्रभु पाद पदम। कह रहे अगर जगत में प्रभुपाद नहीं आते, रघु रूप सनातन कौन जान पाता। रूप गोस्वामी ने जिनके लिए राधा जी भी स्वयं खीर लेकर आई, रघुनाथ दास गोस्वामी जिनके लिए स्वयं राधा जी ओढ़नी धूप में वो भजन कर रहे थे, अपनी ओढ़नी को लेकर आई। जो महाप्रभु नित्य परिकर है, जो राधा जी के निज जन है, जिन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे, भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल नीलमणि के उपदेश, कह रहे अगर प्रभुपाद जगत में नहीं आते हैं कौन इनको जानता। रघु रूप सनातन कीर्ति धर्म धरणी तल कीर्ति जीव कवि, और जो जीव गोस्वामी है उनकी जो कीर्ति है कोई जान ही नहीं पाता। कौन जाना था मथुरा वृंदावन, कौन जान पाता। तो भक्तिजन प्रभुपाद जी आए, पहले कोई एक बूढ़ा किसी ने भजन कर लिया, वृद्ध हो गए, कोई हिमालय चले गए, कोई अयोध्या चले गए, कोई वृंदावन गए, कोई कोई कर लेते रिटायर लाइफ में। आज देखो जवान जवान बच्चे हो, कॉलेज के हो, लड़के हो, लड़की हो, तिलक लगाकर ये भजन कैसे कर रहे हैं। प्रभुपाद की कृपा, प्रभुपाद ने इतना प्रयास किया, ये प्रभुपाद ने दिखाया वृंदावन का रास्ता, नवदीप धाम का रास्ता। और क्या बोलते कविराज नरोत्तम सबके पदम, ये कीर्तन किसने लिखा है? उनके एक शिष्य भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी। और ऐसे एक कई अष्टकम है प्रभुपाद जी के, एक अष्टम की एक लाइन है जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। कह रहे हैं उनका जो क्या कविराज नरोत्तम सबके पदम, यहाँ पर कविराज गोस्वामी जो कि बहुत पहले आए, और नरोत्तम दास गोस्वामी इनके बराबर क्या है तुलना की गई है। कई तुलना कैसे की गई है, इतने बड़े गुरुजनों से कैसे तुलना करी? बोले कि उनका जो कविराज गोस्वामी, अगर प्रभुपाद रसिक कैसे थे कविराज गोस्वामी की तरह, और उनका दैन्य कैसे था कविराज गोस्वामी गोस्वामी की तरह, कैसे? क्योंकि कविराज गोस्वामी ने कहा है जगाई मदाई हई से मुई से पापिश पुरुषे कीट हई से मुई से लगिश मोर नाम सुने जई तार पापे मोर नाम ले जई तार पुण्य छे। ये किसने लिखा है? इस चीज को ऐसे क्यों बोला भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज ने? क्योंकि जब प्रभुपाद जी की पहली व्यास पूजा मनाई गई थी, पहली आविर्भाव तिथि पूजा मनाई गई थी, प्रभुपाद जी की हर साल व्यास पूजा मनाई जाती थी। और जब व्यास पूजा का एक एक आर्टिकल पढ़ोगे, अगर समझ में आ गया प्रभुपाद जी के पास से, कोई व्यक्ति नहीं रोएगा नहीं वहां पर। तो प्रभुपाद जी व्यास आसन पर बैठे और प्रभुपाद जी के सभी शरणागत शिष्य लोग बैठे। जब प्रभुपाद जी बैठे हैं तो शिष्य लोग उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी का देखो चित्र, देखो जीवन में एक भी ऐसा चित्र दिखाई देगा जहाँ प्रभुपाद जी हंस रहे या मुस्कुरा रहे, बहुत ही कम। हमारे गुरु जी कहते हैं जीवन में एक ऐसा प्रसंग आया जहाँ प्रभुपाद जी मुस्कुराए, और पूरे बचपन से लेकर जवानी तक लेकर पूरा बड़े गंभीर है। हर चित्र देखोगे इनका, जब 100 करोड़ हरिनाम किया था उसका देखो, बाद में देखो बड़े गंभीर थे, हमेशा राधा चिंता में जीवों के कल्याण के लिए सोचते रहते। तो ये प्रभुपाद जी बैठे व्यास आसन पर, उनकी व्यास पूजा मनाई जा रही है, और सभी शिष्य एक एक कर प्रभुपाद की वाणी का गुणगान कर रहे हैं। जय रे जय परमहंस नीलाचल हिला उदय, हाँ बड़े सुंदर सुंदर वाणी के द्वारा, प्रभुपाद की वाणी के द्वारा प्रभुपाद की गुणों का कर रहे हैं। साक्षात व्यास जी है, इस साक्षात राधा जी के निज जन है, नैन मंजरी है, ये महाप्रभु गौरवाणी प्रचारी ने, ये महाप्रभु गौरवाणी की साक्षात मूर्त रूप धारण किया है। और ये क्या तृणादपि सुनिचे इनकी मूर्ति है। एक एक भक्त लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे अलंकारों के द्वारा, शरणागति के द्वारा, सेवानुमुक्ता के द्वारा प्रभुपाद जी के
अलंकार भाषा में, बड़ी शरणागति भाषा में कृपा जी गान कर रहे थे। प्रभुपाद जी श्रवण कर रहे चुपचाप, बड़े गंभीर होकर सुन रहे। जब प्रभुपाद जी के पास माइक आया, अभी प्रभुपाद जी लेक्चर देंगे लास्ट में, प्रभुपाद जी ने सबको सुन लिया। और जब प्रभुपाद जी के पास माइक आया, प्रभुपाद जी बोले अज्ञान थे मेरा अंदर से किया, लेकिन जब प्रभुपाद जी के पास माइक आएगा, प्रभुपाद जी का एक शब्द भी पूरे ब्रह्मांड को तार सकता है यदि जीवन में समझ आ जाए एक शब्द ही। तो प्रभुपाद जी जब बोलने जा रहे, सारे की साइलेंट बैठ गए सब लोग, और क्योंकि प्रभुपाद का एक शब्द भी नीचे ना गिरे हमारे कानों में जाए, ऐसे लोग सुन रहे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, अपना परिचय यही दिया, जगाई मदाई ऐसे मुई से पापिश, पुरुषेर कीट ऐसे मुई से लगी। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने परिचय दिया अपना कि मैं जगाई मदाई से भी ज्यादा पापी हूँ। जगत में कहते हैं लोग जगाई मदाई इतने पापी है, उनकी चित्र गुप्त ने भी देखा तो उनकी भी लिस्ट भर गई, इतने बड़े पापी। और यहाँ हमारे मेरे जो हमारे गुरुजन है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने अपना परिचय कैसे दिया कि जगाई मदाई ऐसे मुई से पापिश, पुरुषेर कीट ऐसे मुई से लगी। पुरुषेर कीट मतलब जो बिष्टा का कीड़ा होता है ना, टट्टी का कीड़ा, उससे भी मैं गिरा हुआ, और जो मेरा नाम सुनेगा उसका पाप लगेगा जो, और जो मेरा नाम दर्शन करेगा उसका भी पुण्य छीन हो जाएगा। ये करे मैं, हमारे गुरुजनों ने अपना परिचय दिया, मैं इतना दुष्ट कैसे, मैं इतना दुष्टता कैसे कर रहा हूँ, मेरे लोग महिमा लोग श्रवण बोल रहे हैं और मैं अभी इतना मौन अवस्था में कैसे सुन रहा हूँ। अगर मैंने स्पष्टीकरण नहीं दिया इसका तो लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, तो गुरुजनों के विरुद्ध में अपनी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। तब प्रभुपाद जी ने क्या कहा, प्रभुपाद जी की एक एक वाणी, प्रभुपाद जी कह रहे आज मैं समझा कि कैसे गुरु की महिमा गाई जाती है। आप जो लोग हो ये मेरे क्या है, गुरु, मेरे गुरु ही इतनी सारी रूप मूर्ति धारण करके बैठे हैं, मैं तो जानता नहीं गुरु की महिमा कैसे गाई जाती है, आज मेरे को पता लगा गुरु की महिमा गानी चाहिए। गुरु की महिमा मैं भी इसी शब्दों के द्वारा, ऐसी वाणी के द्वारा गुरु की महिमा का गान करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर बैठ के कैसे सुन रहा हूँ, इतनी देर से मैं अपनी महिमा कैसे सुन रहा हूँ। बोले कि मेरे गुरु जी ने कहा आमाराज्ञा गुरु है तारो ही देश, मेरे गुरुदेव ने कहा इस आसन पर बैठ जाओ और भागवत वाणी का प्रचार करो, अगर मैं गुरु की आज्ञा का पालन ना करूं तो क्या होगा, ये मेरे को बहुत बड़ा दोष। मैं तो गुरु की आज्ञा से बैठा, मैं शिष्य का ही काम कर रहा हूं, मैंने जीवन में कभी गुरु का कार्य नहीं किया, अगर मैं जीवन में पूरा शिष्य का ही कार्य करूं, मेरा यही जीवन में एक ही आशा है, तो मैं अपने गुरुजन का पालन कर रहा हूं, इसी आशा से मैं बैठा। आप मेरे को माला पहनाए या मेरी अपमान करें, मेरी दुष्टता करें या मेरे को आप कुछ भी करें, परंतु मैं गुरु आज्ञा करके यहाँ बैठा हूँ। और भी बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने बात बोली है, मैं जगत का सबसे क्षुद्र जीव हूँ, गुरु कृपा करके ही मेरे जगत को उठाने के लिए आए। तो ऐसे क्या है उनकी जो दीनता थी कैसी थी, कविराज नरोत्तम सत्य पदम, और उनका जो रसिक थे प्रभुपाद इतने रसिक थे, यद्यपि उन्होंने जो राधा कुंड की जो महिमा का प्रकाश किया है और उन्हें भागवत की जन्मादश्य की इतनी सुंदर व्याख्या प्रभुपाद ने लिखी है, जो पढ़ेंगे तो हम देखते रहेंगे कि प्रभुपाद के अंदर कितना कितना माधुरी है, परंतु उन्होंने देखा हम जैसे अधिकारी नहीं है, बहुत लोग अधिकारी हैं, तब उन्होंने क्या किया, रघुनाथ की वाणी को श्रवण करो। कहाँ से शुरू होती है, ये उपदेश आमरा से, रूप गोसा की वाणी, रघुनाथ की वाणी मन शिक्षा से, पहले नीचे से चलो, फिर रूप रघुनाथ की वाणी बहुत ऊंचे तक जा रही है, आगे आगे तांबूल अर्पण पाद मर्दन, पर पहले हमारा अधिकार क्या है, उपदेश अमृत मन शिक्षा। तो ऐसे उनकी जो जो भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज ने महिमा क्या गाई है, कविराज में उनकी रसिकता और उनका दैन्य, नरोत्तम सत्य पदम क्यों बोला, क्योंकि ये एक श्लोक की एक लाइन की व्याख्या है, ऐसे एक एक श्लोक को पढ़ेंगे बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्या उनका अभी आगे आगे हम सुनेंगे। तो जो नरोत्तम दास ठाकुर की क्यों तुलना की गई, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर के जो उन्होंने भी क्या, उनके जो गुरु थे लोकनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने कहा मैं कभी शिष्य नहीं बनाऊंगा, पर नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा मेरे गुरु बनाना तो इनको ही बनाना है, मैं प्राण त्याग दूंगा पर नहीं बनाना, पर उन्होंने कभी ठान लिया था। फिर उन्होंने सेवा के द्वारा जाओ शौच करने जाते थे आदि आदि, वो साफ कर देते थे रोज रोज। लोकनाथ दास गोस्वामी कह रहे कौन कर रहा सफाई, एक दिन उन्हें रात में छिपके देखा तो एक बच्चा नरोत्तम आके सफाई कर रहा है, तब उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले तुम क्या कर रहे हो, कह रहे गुरुदेव
मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि गुरु को रिझाना कैसे चाहिए, सेवा के द्वारा, और कोई भी उपाय नहीं है। हम सुनेंगे आगे आगे अपने पांडित्य के द्वारा, अपने धन के द्वारा, अपने और किसी अभिमान के द्वारा यदि गुरु जी को हम प्रभावित कर देंगे। प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत बड़ी मूर्खता है, गुरुदेव को रिझाना है या भगवान को रिझाना है, क्या उपाय है, एकमात्र सेवा के द्वारा, सेवा के द्वारा। यदि गुरु दीक्षा नहीं दे रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कई बार लौटा दिया पर उन्होंने दीक्षा नहीं दी, यदि हमारे साथ ऐसा गुरु हो जाए, एक बार दर्शन ना दे या दो घंटा विलंब से दे, हम कहें इतना दूर से आए नहीं दे रहे, मत दो, हम दूसरा गुरु बना लेंगे, है ना। या गुरुदेव एक बार लौटा दे या दो बार लौटा दे तो हम क्या करेंगे, अरे आपके तो बहुत गुरु हैं, है ना। परंतु क्या देखो, प्रभुपाद जी ने भी ऐसे जीवन में उन्होंने ठान लिया, गौर कृष्ण बाबा जी महाराज कैसे ठाना, एक बार बाबा जी महाराज स्वर्ण सुकन से निकल लेते और एक कीर्तन कर रहे, कोथाई गो प्रेमई राधे राधे, कोथाई गो प्रेमई राधे, उनके आंखों में अश्रु की धारा और कॉपी भी नीचे निकल गई, उनको पता में निक्रंदन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, विमला प्रसाद जी ने, बनाना गुरु मैं इनको बनाऊंगा। जब उन्होंने कहा था जो 24 घंटे सेवा नहीं करते, ऐसे गुरु को मैं नहीं बना सकता, जो 24 घंटे में 23 घंटे 59 मिनट भी सेवा कर रहे, 1 मिनट भी भोग कर रहे या 1 मिनट भी उदासीन है, तब भी मैं उसको गुरु नहीं बनाऊंगा। तब उन्होंने देखा बाबा जी महाराज रात दिन राजा जी के भाव में विभावित होकर सेवा कर रहे, तब उन्होंने कहा गुरु इनको, पर उन्होंने भी कहा था कि मैं कभी किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। और तो प्रभुपाद जी विमला प्रसाद जी कितनी बार गए, एक बार गए, उन्होंने कहा कि तुम तो इतने बड़े धुरंधर हो, क्योंकि उस समय पर विमला प्रसाद जी ज्योतिष के इतने बड़े आचार्य थे, पूरे भारत वर्ष में ऐसा बड़ा कोई भी ज्योतिष का विद्वान नहीं था, संस्कृत के इतने बड़े विद्वान थे, वेदों के विद्वान थे, उन्होंने संस्कृत कितने समय में इन्होंने पूरा कर ली थी। तो इनके जो संस्कृत के गुरु थे प्रीतिदास शर्मा, उन्होंने कहा था कि विमला प्रसाद तुम पूरे जीवन भर संस्कृत का अध्ययन करना, तुमसे जैसा विद्वान कोई होगा नहीं। तब उन्होंने क्या कहा, कहते प्रभु मैं इस जगत में तीता अंति सीतता पढ़ने नहीं आया, और मैं ज्योतिष के लिए बोला था, मैं कह रहा तारे चांद गिनने नहीं आया, मैं यहाँ भगवान का भजन करने के लिए आया हूँ, हरि भजन करने के लिए आया हूँ, और सारे जीवों को हरि भजन में लगाने के लिए आया हूँ। तब उन्होंने क्या किया, एकदम त्याग दिया, किसी तरह से नहीं। पर जब बाबा जी महाराज ने फिर बोला, तुम तो बहुत बड़े विद्वान हो, बड़े पढ़े लिखे हो, इतने मैं ऐसे व्यक्ति को कैसे दीक्षा दूं, मैं तो निरक्षर हूँ। तो प्रभुपाद जी रोने लगे, और विमला प्रसाद जी, जब भक्तिलाल ठाकुर ने कहा कि बच्चे को अपना लो ये तो प्राण त्याग देगा, तब विमला प्रसाद जी ने कैसी भाषाओं में अपनी शरणागति थी गुरु के निकट, कैसे जाना चाहिए बताया, उन्होंने बताया मैं गुरुदेव, मैं अपनी सारी विद्वता, सारा पांडित्य, सारा ज्ञान और सारा जो भी मेरे अंदर थोड़े भी लौकिक ऐश्वर्य है, वो सब आपके चरणों के नख की रज में रखता हूँ, आप स्वीकार कर लो तो आपकी कृपा है, यानी मैं गुरु की सेवा करूंगा, मैं इतना योग्य व्यक्ति नहीं, आप यदि स्वीकार कर लो, अगर हम थोड़े पढ़े लिखे हैं और गुरु जी हमसे कम पढ़े लिखे हैं तो हमें अभिमान आ जाता है। परंतु देखो बाबा जी महाराज क्या निरीक्षक, जागतिक रूप से निरीक्षक थे, परम गुरु जी कहते थे उनसे बड़ा कोई पढ़ा लिखा नहीं, करे जो कृष्ण क्या संविदेशार भगवत्तर ज्ञान, संविदेह के साथ कृष्ण भगवत का ज्ञान क्या, सारी विद्याओं का सार है, ये तो जड़ है, ये तो जितनी भी विद्या है ये तो उनका छायाभास है, इतने बड़े वो पढ़े लिखे थे बाबा जी महाराज। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे गुरु का आश्रय लिया और उनकी सेवाएं की है, और उनकी सेवाओं करके उनको रिझाया। और प्रभुपाद जी का प्रचार वह सिस्टम एक बार बता दूं, क्योंकि समय याद हो गया, महाराज जी बोलेंगे। प्रभुपाद जी ने कैसे प्रचार किया है, पहले 100 करोड़ हरिनाम किया, 100 करोड़ हरिनाम, पहले गुरु सेवा की, गुरु वर्गों की सेवा की, कई बार उनको आदेश दिया भक्ति विनोद ठाकुर ने, तुम जाओ प्रचार करो। तो उन्होंने कहा मेरे पास ना तो बुद्धि बल है, ना धन है, ना ऐश्वर्य है, ना ज्ञान है, ना धन है, ना जन है, ना बल है, मैं कैसे प्रचार करूं। तो बाद में उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो। जब उन्होंने 100 करोड़ हरिनाम किया, वहां पर महाप्रभु प्रकट हुए, उनके गुरु जी प्रकट हुए, गौर कृष्ण बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद और देव सब प्रकट हो गए, बोले जाओ प्रभुपाद, विमला प्रसाद तुम जाओ, और जितने तुम्हें धन की जरूरत है, जितने पांडित्य की जरूरत है, जितने जन की जरूरत है, जितने बल की जरूरत है, हम तुम्हारे पीछे पीछे भेजेंगे। इसलिए प्रभुपाद के बाद जैसे कहते हैं श्री कृष्ण ने चैतन्य को जीवे दया करी सुख पार्षद सुभिय धाम सह अवतरी, वो जो प्रभुपाद के परिकर थे वो भी साधन नहीं थे, वो गौर नित्यानंद को ने उनको भेजा था, तब उनको भेजा था। प्रभुपाद ने ऐसा प्रचार किया
जीवन में पहले स्वयं आचरण किया। मैं बता रहा, एक शब्द भी उन्होंने बिना आचरण के भेजा नहीं। एक बार कासिम बाजार में राजा के यहाँ गए थे, बहुत बड़ी धर्मसभा हुई, उसमें बहुत सारे संतों को बुलाया, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, उसमें बिमला प्रसाद को बुलाया। सब जानते थे बिमला प्रसाद जैसा धुरंधर कोई विद्वान यहाँ पर नहीं है, ऐसा कोई भजन करने वाला नहीं है। फिर भी उन्होंने क्या किया, करे अगर ये बोलेगा तो हमारी बोलती बंद हो जाएगी, करे अगर हमें सफल बनना है ना, इसको माइक नहीं मिलना चाहिए। तो दो तीन दिन की सभा थी, उसमें पहले दिन सब लोग बोले, बिमला प्रसाद जी आए सभा में, उनको अवसर नहीं दिया बोलने का। तो राजा ने क्या किया था, वहां पर उन एक सेवक को लगा रहा था, जितने भी संत आए हैं उनकी सेवा, रोज प्रसाद, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर प्रसाद, उनका सफाई वफाई करना, सबकी व्यवस्था में लगा दिया। तो जब दो दिन हो गए तो कह रहे इनको तो माइक देना चाहिए, सबने बोला भाई ये तो बैठे हैं, इनको भी तो कोई माइक दो। तो बिमला प्रसाद जी जब बोलने लगे, 5 मिनट माइक दिया उनको, रख दिया, बोले बस हो गया, घंटी बजा दी, उनको बोलने का मौका नहीं दिया। जब वो चले गए सब लोग, तब राजा का जो सेवक था उसने राजा के पास बोले, क्यों, उसने सबकी सेवा की है, प्रभुपाद ने कोई उपदेश नहीं दिया, बस उनका संग प्राप्त किया, उनको प्रणाम किया, उनका आचार विचार देखा। जब भी वो सेवक जाता था, प्रभुपाद जी क्या कर रहे, हरि नाम कर रहे, कोई ग्रंथ लिख रहे हैं या नोट बना रहे, एक सेकंड भी किसी भी समय वो सेवक जा रहा है, प्रभुपाद जी एक सेकंड के लिए भी भगवान की सेवा में विरत नहीं थे, सेवा में लगे रहे। तब उसने कहा राजस के राजा, जितने भी तुमने यहाँ विद्वान बुलाए थे, तुम्हारा ध्वंस, अन्न का ध्वंस करने के लिए आए थे, एक थे बिमला प्रसाद, कह रहे वो तुम्हारा क्या करने आए, वो ही तुम्हारे कल्याण के लिए आए थे। मैं जब भी उनके पास गया, उन्होंने एक दाना अन्न का लिया नहीं, एक दाना अन्न का लिया नहीं, बोले जब तक मैं जीव का उद्धार नहीं कर लेता, हरि कथा नहीं सुना देता, तब जल ग्रहण भी नहीं करता। बिमला प्रसाद ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया, बस तुलसी पत्ता लेते थे। कहते एक व्यक्ति था जो तुम्हारा कल्याण करने के लिए आया था, वो बिमला प्रसाद था, जिसको माइक नहीं दिया गया, और सब अन्न ध्वंस करने के लिए तुम्हारा आए थे, ऐसा उनका प्रचार वैशिष्ट्य था। जीवन में कभी भी ऐसे कोई बात नहीं बोली जो स्वयं आचरण ने किया हो। तो ऐसे जगत गुरु प्रभाद है, उनके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और एक बूंद कृपा की हमें दे दे, हम जैसे प्रचार अभिमानी हैं, सोचते हैं हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम प्रचार कर पाएंगे, ऐसे अभिमान को हमारे अर्जुन के चरणों में कोटि कोटि नमन के द्वारा ऐसे अभिमान को दूर करें, और अपनी सेवा अनुमोक्ता में हमें नियुक्त करें, ये उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। भगवंत सिद्धांत सागर गोस्वामी प्रभुपाद की, श्रील गौर किशोर दास स्वामी बाजी महाराज की, लजीत प्रभु की, सिताई गौर ब्रह्मानंद, दामोदर प्रभु जी इधर है, दामोदर जी, दामोदर आज राजा हाँ, देखो शास्त्र में एक चैतन्य चैतामृत में एक प्यार है, कहते हैं आचार करने के वो ना करे प्रचार, और करने के वो ना करे आचार, कहते आचार प्रचार नामे करह दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगत राज। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जगत में ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत प्रचार तो करते हैं लेकिन अपना जीवन में कोई आचरण नहीं करते। जगत में ऐसे कुछ लोग हैं जो आचरण तो करते हैं लेकिन जगत में प्रचार नहीं करते, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं लेकिन आचार प्रचार नामे करह दुई कार्य। इसलिए क्या करने चाहिए, जिसको जितना आचरण जितना बढ़िया है ना, उसका प्रचार भी उतना बढ़िया होता है। इसलिए प्रभुपाद का इतना बढ़िया प्रचार क्यों हुए बता रहे थे ना, उन्होंने 100 करोड़ नाम यज्ञ किया, 100 करोड़ दिन में वो 3-3 लाख हरिनाम करते थे, कितना हरिनाम करते थे, 3-3 लाख हरिनाम करते थे। अगर कोई 16 माला करता है ना, आप देखना सवेरे से लेकर के रात तक वो 16 माला पूरी नहीं कर पाता, 16 माला भी पूरी नहीं होता है, लेकिन कितने 16 माला में 1 लाख होता है, 3 बार 64 माला में 1 लाख।
अगर उसको कोई व्यक्ति तीन बार 64 माला करे ना, अब 1,00,000 माला भी करते हो, अब देखना 1,00,000 अगर माला करोगे, अब देखना सवेरे से लेकर रात तक माला करते 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 सोने का पहले तक अगर करते रहोगे तो किसी तरह से 1,00,000 माला पूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति 3,00,000 हरि नाम करता है क्या होगा, सो सकता है? वो सोना बड़ा कठिन है, 2-4 घंटा किसी तरह से सो पाएगा है, किसी तरह से सो पाएगा। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसे उन्हें अपतित रूप में उन्होंने 3,00,000 हरि नाम करते थे। चातुर्मास से आए तो गोग्रास जानते हो, जैसे गैया खाता है ना, चट्टान को पोछा लगा देते थे, पोछा लगा करके एक साथ में हविसारना, मतलब दाल चावल सब्जी एक साथ में दे दिया, उबाल दिया, उसमें थोड़ा घी दे दिया, घी दे करके चट्टान को साफ करके उसमें डाल दिया। गैया जैसे भोजन करते हैं ना, हाथ दे करके नहीं, हाथ को पीछे रख देते हैं और मुंह देकर गैया जैसे खाते हैं, वो ऐसे ही वो भजन करते थे। और ऐसे भजन करते हुए उन्होंने 3,00,000 हरि नाम करते थे। इसलिए उनका जो भजन था वो बड़ा दृढ़ भजन था, इसलिए जगत में इतने विस्तृत रूप में, इतने विशाल रूप में प्रचार हुआ। हमारे श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, उन्होंने सवेरे नाश्ता लेने से पहले, सवेरे ब्रेकफास्ट लेने से पहले 1,00,000 माला पूरी करते थे। महाराज जी, मैं तो गुरु जी का सेवा किया हूँ है, मैंने जब बीच बीच में कहीं सेवा कर देखता था गुरुदेव 2:30-3 बजे, भले ही जितने बजे क्यों सोए नहीं, हमने देखा जन्माष्टमी में 12 बजे अभी सोते सोते 1 बजे था, भले ही 1 बजे क्यों नहीं सोए, गुरुदेव ठीक 2:30-3 बजे जग जाएंगे। और आस पास में मैं कभी सोया था, गुरुदेव सेवा करता था, गुरुदेव किसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, गुरुदेव जाएंगे जा करके हाथ मुंह को धो करके बस अपना बिस्तर पर बैठ जाएगी, और बिस्तर पर बैठी करके हरे कृष्ण जी से हृदय से, ऐसे नहीं किसी तरह से माला पूरी करने के लिए, हृदय से पुकार करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, जोर से बोलो। कुछ लोग सो रहे हैं, जोर से बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसे गुरुदेव भी ऐसे पुकार करके हरि नाम करके तो गुरुदेव, और ब्रेकफास्ट से पहले 1,00,000 माला पूरी कर देते थे। उसको बाद में फिर दिन भर भजन करते थे। 2-2,00,000 गुरुदेव हरि नाम करते थे। ग्रंथ को भी रचना करना, प्रचार भी करना, हरि कथा भी करना। इसलिए हमारे गुरु जी की इतने प्रचार क्यों, कारण है उनका जो हरिनाम जो करते थे ना, जो भजन करते थे, वो बड़े स्ट्रांग भजन था है। जब मैंने कभी तेल लगाता था, मैं तेल लगाता गुरुदेव लगाते समय ना, तेल लगाते थे और गुरुदेव जितने बिलाप कुसुमांजलि का श्लोक, जितने सारे और बृहद भागवतामृत का श्लोक, मैं सोचता था गुरुदेव श्लोक कहाँ से बोल रहे, जयति जयति वृंदारण्य मेथद मुरारे प्रियतम, गुरुदेव गोवर्धन जयति शैल पुरा, गुरुदेव कहाँ से श्लोक बोलते हैं, सुना नहीं। फिर जब मैंने बृहद भागवतामृत पढ़ा ना, बोले ओ गुरुदेव यही से सनातन गोस्वामी ने वृंदावन धाम को प्रणाम करना, हरिनाम को परंपरा करना, यमुना देवी को प्रणाम करना, मथुरा देवी को प्रणाम करना, उसमें वृंदावन धाम का पूरा गुरुदेव पूरा जितने श्लोक चैतन्य महाप्रभु स्तुति जो उन्होंने सनातन गोस्वामी जो श्लोक अद्भुत उन्होंने एक एक श्लोक को तरह उन्होंने सबकी बड़ी सुंदर स्तुति की। इसलिए हमारे गुरुदेव का तब भी जगत में इतने गुरुदेव की प्रचार प्रसार है। गुरुदेव भी प्रभुपाद जैसे उन्होंने भी कोशिश किया है। एक दिन गुरुदेव खुद बोल रहे थे मेरे को, मैं हम लोग थे, बोले जैसे गोस्वामी लोगों ने जैसे भजन किया है ना, गुरुदेव कहते थे मैं भी ठीक गोवर्धन में रह करके रोज 2,00,000 हरिनाम करना, स्तुति स्तव करना और जितने ग्रंथों का अध्ययन करना, ग्रंथ लिखना, मैं भी कोशिश किया हूँ। जहाँ पर गिरधारी गौड़िया मठ है वहां पर भी मैंने इसे भजन करने के लिए कोशिश किया। इसलिए गुरुदेव का भी इतना नाम। इसलिए अगर हम लोगों को साधन, हमारी ना बहुत अच्छे साधन होनी चाहिए है, साधन जितना अच्छा होगा उतना प्रचार होगा। और दूसरी चीज है अपना चरित्र को ठीक रखना पड़ेगा। अगर चरित्र अगर लूज गड़बड़ी है ना, जितने प्रचार करो सब कोई प्रचार सब खत्म हो जाएगी। इसलिए पहले आचरण करो फिर प्रचार करो, आचरण नहीं रहेगा तो हम प्रचार कर ही नहीं सकते, जितने प्रचार करो सब एक दिन में सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें आचार रहित प्रचार, प्रभुपाद कहते कर्माग्रह अंतर्गत, मतलब जो आचार रहित जो प्रचार है
सारे कर्म जैसे हो जाएगा। खुद भजन भजन कर नहीं रहे, दूसरों को बोलेंगे भजन करो हरिनाम, वो कैसे करेगा? इसलिए पहले अपना आचरण को अच्छे तरह से करो, अपना चरित्र को ठीक से रखो चरित्र को, नहीं तो फिर क्या होगा, सारे प्रचार प्रचार तुम्हारी खत्म होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए आज प्रभुपाद का तिथि है, वो हम सबको भर में कृपा करे, हम लोग भी थोड़ी बहुत कोशिश करें प्रभुपाद का जो आचरण है, उनका जो भजन साधन है, इसको थोड़ी सी अपने जीवन में उतारने के लिए, और जितने इनकी साधन भजन को जीवन में उतारेंगे फिर हमारी भजन साधन भी और प्रचार प्रसार भी हमारी बहुत होएगा। ठीक है, हम सबको ऊपर में, क्योंकि हम लोग कौन है, आप लोग बोलेंगे प्रभुपाद कहते थे, देखो जो मेरे शरण में आया ना, जो मेरे शरण में आ गया, कितने जन्म क्यों नहीं लग जाए, जब तक वो उद्धार नहीं हो उसके लिए मैं बारंबार जगत में आएगा, प्रभुपाद का वाणी, बारंबार मैं जगत में आऊंगा जब तक मैंने उसको गोलोक वृंदावन में नहीं पहुंचा दे। और प्रभुपाद का जितने निजजन है वो साधारण नहीं, प्रभुपाद लेकर के आए, लेकर के आए, आप लोग बोलोगे भैया फिर तो हम तो गड़बड़, हम तो बेकार है, क्योंकि आप प्रभुपाद को दर्शन भी नहीं किया, प्रभुपाद दर्शन नहीं करने शिष्य तो नहीं बन पाए, फिर हमारे जीवन कैसे कहते नहीं। देखो आप देखना, जब जो पिताजी अपना बच्चे को जितना प्यार करते हैं ना, जो पोता होता है उसको प्रति ज्यादा आसक्ति, आसक्ति होता है कि नहीं, अपना नाती पोती के प्रति ज्यादा आसक्ति, हम कौन है, प्रभुपाद के शिष्य के शिष्य के शिष्य, हमें समझो अपना बेटे से भी ज्यादा प्रीति किसके ऊपर में, हम लोगों के ऊपर में ज्यादा प्रभुपाद की प्रीति है, ये मत समझो प्रभुपाद का दर्शन नहीं कर पाए हमारे क्या भेज नहीं, प्रभुपाद सबको ऊपर प्रभुपाद की कृपा है सबके सब। नित्यलीला प्रविष्ट जय विष्णुपादस्तु दश दुर्गाचार्य श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग में प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत शिक्षा गुरु पाद पद्म पूज्य पाद श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग में प्रणाम करते हुए समस्त रूपान गुरुवर के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित कथा प्रपाशु भक्त वृंद सबके चरणों में थाक दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज स्थिति बहुत अच्छी है और अभी हमें कीर्तन सुन रहे थे इससे पहले, दुष्टेर मन तुम्हें तैशेर वैष्णव, पर हमारे और खासकर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे ऐसे बद्धजीव की स्थिति यह है कि हम अपने आप को माने बैठे हम कौन है वैष्णव, पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं वैष्णव हो कैसे, दुष्ट को माने हमारे, हम वैष्णव कैसे हो सकते हैं, क्योंकि स्वयं को वैष्णव मानना भक्ति में बहुत बड़ी बात है ना। गुरु वर्ग भी कभी अपने आप को वैष्णव नहीं कहते, हम सबको तो कह देंगे पर स्वयं के लिए नहीं कहेंगे। तो ये भक्ति की परिपाटी है कि स्वयं को श्रेष्ठ मानने की स्थिति हमारी नहीं है। और जैसे कुछ जीत प्रभु जी ने कहा कि प्रभुपाद जी का यही प्रचार था कि आचरण नहीं है, किया नहीं तो प्रचार भी नहीं होता। तो अभी तो मन में यही विचार है बस कि पहले किसी प्रकार से कुछ आचरण हो जाए तभी कोई प्रचार की स्थिति बन सकती है। इसलिए आज प्रभुपाद जी की तिथि है, मैं पहले ही सोचा था कुछ बोलूंगा नहीं, तो इतना ही बोल रहा हूँ कि प्रभुपाद जी जैसे महाराज जी कहते हैं ना, प्रभुपाद जी को हमसे दर्शन नहीं किए, लेकिन हम परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग प्रभुपाद जी के बच्चे के बच्चे के बच्चे हैं, तो हम पर क्या उनकी विशेष कृपा है। अब कैसे कृपा है, प्रभुपाद जी के समय तो प्रभुपाद जी अकेले थे, फिर उनके निजजन आए, पर हम पर कृपा करने लगे इतने आचार्यगण है ना, अभी प्रभुपाद जी के निजजन इतने सारे हैं कि यदि हम सारे दिन भी कथा सुनना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, कमी पड़ जाएगी, समय की कमी पड़ेगी पर कथा खत्म नहीं होगी। गुरुदेव ने कितना परिश्रम किया इतने सारे ग्रंथ, और केवल गुरुदेव ही नहीं अन्य आचार्यगणों ने भी कितने ग्रंथ, तो इतना है कि यदि हम पूरा जीवन बिताना चाहें तो शायद हम ग्रंथों को शेष नहीं कर सकते। तो हमारे पास प्रभुपाद जी कृपा भरपूर है, हमें क्या करना है, किसी प्रकार से गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए उनकी कृपा को किंचित मात्र भी लेने की आवश्यकता है। तो आज प्रभुपाद जी दीदी को यही प्रार्थना है कि अभी जो गुरुवर्ग है हम तो उन्हीं की सेवा किसी प्रकार से किंचित मात्र कर पाए तो शायद प्रभुपाद जी कृपा हमारे ऊपर संपूर्ण रूप में हो जाएगी। तो उनसे यही प्रार्थना करती हूँ उनकी तिथि में, मैं अपनी वाणी को शेष करता हूँ और प्रयास करूंगा कुछ आचरण हो जाएगा उसको जरूर आगे कुछ प्रचार करने की स्थिति में बनने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वाणी चाह कर गुरु से कृपा कहते ना, इसमें एक कल मैं जब गाड़ी में आ रहा था प्रभु जी की गाड़ी में, उन्होंने स्वामी महाराज का कैसेट चला कर रखे थे, स्वामी महाराज का बहुत अच्छी बात कह रहे थे, कहते महाप्रभु का आदेश है
जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारे आज्ञाएं गुरु हैया तारे देश। उसमें स्वामी महाराज की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी महाराज ये बोल रहे थे क्या करो महाप्रभु थे सबके सब गुरु बनो। महाप्रभु का हमारे आज्ञाएं गुरु हैया मेरे आज्ञा से तुम लोग सबके सब गुरु बन जाओ। हैं बोले गुरु बनो कैसे बोले जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको देखो है ना है जिसको देखो उसको क्या बोलो भगवान की कथा के बारे में बोलो भगवान की कथा सुनाओ। जिसको देखो भगवान की कथा सुनाओ। अगर जिसको देखोगे अगर भगवान की कथा सुनाओगे प्रभुपाद यहाँ पर महाप्रभु गए तो गुरु तो अपने आप बन गया था। क्योंकि जो भगवान की कथा हर समय बोलते रहेगा पर भगवान की कथा बोलने वाले अपनी हृदय तो हृदय तुम्हारी अपनी आप हृदय तुम्हारी निर्मल हो जाएगी। वो स्वामी महाराज जी कह रहे हैं। इसलिए कोई अगर बोले संपूर्ण हम प्योर होकर कथा बोलेंगे नहीं कथा बोलते बोलते जैसे किसी घड़ा के अंदर में जैसे हवा है उसको निकालना तो क्या करना पड़ेगा और कोई चीज उसमें डालो तभी तो वो चीज निकलेगी ना। अगर कोई चीज डालोगे तो निकलेगा कैसे। स्वामी महाराज जी बात कह रहे थे। इसलिए जब तुम हर समय भगवान की कथा बोलोगे फिर तुम्हारी समय कहाँ दूसरी कथा के लिए तुम्हारी समय ही नहीं। अगर कोई सोचेगा मैं परफेक्ट पूरा होकर कथा बोलूंगा नहीं भैया बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं। जब एडमिशन नहीं होगे नहीं पढ़ोगे तुम तो स्टूडेंट बनो कैसे छात्र बनो कैसे। अगर कोई बोले नहीं पूरा पक्का स्टूडेंट बन करके स्कूल जाएगा ऐसे नहीं स्कूल में एडमिशन होकर के पढ़ाई पढ़ाई करते करते फिर तुम सही पढ़ सकते हो। इसलिए स्वामी महाराज कहते हैं महाप्रभु का यही उपदेश है जारे देखो जिसको देखो क्या करो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको देखो भगवान के बारे में बोलो इधर उधर की बात नहीं बोलकर भगवान की बात पर बोलो। जब तुम भगवान की बात बोलोगे ना तुम ही तो गुरु बन जाओगे। इसलिए तार यही देश क्या करो ये जगत को तुम उद्धार करो। इसलिए क्या करो दूसरों को भगवान के बारे में बोलो। इसलिए भगवान के बारे में बोलना भी भजन है, है? ये मत समझो दिन भर माला लेकर बैठेगी यही भजन नहीं। हमारी भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज थे एक दिन किसी ने आकर के बोले गुरु जी महाराज आप तो बोल दो भजन करो आपको तो मैं कभी भजन करते देखता नहीं। वो सोचते थे दिन भर माला लेकर बैठे भजन है तब भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज बोलते हैं मैं तो दिन भर भजन ही करता हूँ। भजन मतलब क्या है जेने तेना प्रकार कृष्ण मन निवेश है भजन उसे कहते हैं किसी तरह से प्रभु के चरण में मन को लग करके रहे। जैसे ठाकुर के लिए रसोई बनाते किसके लिए बना रहे ठाकुर जी के लिए हाथों में काम करो मुंह में ठाकुर का नाम लो। घर में झाड़ू लगाते हो कहाँ लगा रहे हो ठाकुर को मंदिर में जी लगा रहे। कोई सेवा कर रहे हो क्या कर रहे हो ठाकुर को सेवा कर रहे हाथ में काम और मुंह में ठाकुर की नाम लो। इसलिए अगर 24 घंटा अगर ऐसे भजन करेंगे हाँ जिसका समय है अच्छे तरह से फिर तो अच्छे तरह से भगवान के हरिनाम हमें अच्छे तरह से भी हरिनाम करनी चाहिए। इसलिए कहते भगवान की कथा बोलते बोलते करते 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 ही अपने आप शुद्ध बन जाओ। भक्ति स्वामी महाराज ये बात को कह रहे थे ऐसे में क्या करो भगवान की कथा बोलो भगवान की सेवा करो भगवान के नाम करो ऐसे भगवान के सिवाय जगत में और कुछ नहीं दिखने चाहिए। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणी नामिने सुजना रुद्रादित पादयुगम युग धर्म दुरंधर पात्र वरम वरदाभयदायक पूज्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम सर्वदम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करते हुए उनसे उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। मंच आसीन पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करके उनसे उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। आज जिनकी तिथि है स्वपरिकर श्री प्रभुपाद उनके चरण कमलों का किसी प्रकार स्मरण करते हुए उन्हें पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करते हैं। उपस्थित वैष्णव वैष्णवियों को माता बहने प्रभुओं को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। पूर्व पूर्व वक्ताओं से और पूज्यपाद महाराज जी से हमने श्रील प्रभुपाद जी का
बहुत गुणगान सुना, उनका कैसा उनका अद्भुत आचरणमयी प्रचार है। और जिस प्रकार गुरु अष्टकम में कहा गया, भगवान को कहा गया गुणार्णव, कि भगवान क्या है, गुणों के आर्णव, गुणों के सागर है, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी को अगर हम देखते हैं, किसी प्रकार का जो हमने गुरु वैष्णवों से या ग्रंथ भागवत के माध्यम से भी जो उनके बारे में हम जान पाए, तो हम देखेंगे वो भी क्या है, गुणों के आर्णव है। एक एक गुण जो वैष्णव के 26 लक्षण बोले गए या भगवान तक में भी जो गुण हैं वो क्या है, वो हम इनमें देखते हैं। करुणा के सागर, दया के सागर, शासन के सागर, हर चीज में हम देखेंगे उन्होंने इस जगत को दिया। इनका जीवन जैसे कहा गया ना कि आचरणमय, तो ये तो चलना भी है, ये इनका चलना भी एक जीव जगत को शिक्षा दे देता है। अद्भुत अद्भुत जीवन में इनकी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हैं जो मुझ जैसे जीव को बहुत बड़ी शिक्षा दे जा सकती है। तो कुछ ऐसे ही घटनाएं कुछ स्मरण हो रही हैं जो श्रवण करी है वैष्णवों से, कि एक बार की बात है, हमने सुना और हम जानते हैं इस चीज को कि श्रील प्रभुपाद जी कौन है, मूल प्रतिष्ठाता इस गौड़िया मठ के, जो गौड़िया मठ जो आज हमारे सामने है इसको स्थापित करने वाले, इस विचारधारा को स्थापित करने वाले श्रील प्रभुपाद हैं। तो ऐसे ही एक बार एक गौड़िया मठ की स्थापना होने वाली है, विग्रह प्रतिष्ठा होने वाली है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, प्रभुपाद जी के कुछ सन्यासी शिष्य ब्रह्मचारी शिष्य सारी तैयारियां करके श्रील प्रभुपाद जी का वहां पे आगमन होने वाला है, सारी तैयारियां करके उनको स्टेशन पे गए हैं उन्हें रिसीव करने के लिए, कि प्रभुपाद जी को लेके उस स्थान पे जाएंगे और धीरे धीरे मंदिर प्रतिष्ठा होगी, विग्रह प्रतिष्ठा होगी, मठ शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही श्रील प्रभुपाद जी स्टेशन पे उतरे हैं, एक एक गण को उन्होंने देखा और थोड़ी देर के बाद वो सन्यासी शिष्य से पूछते हैं, वो जो एक नया ब्रह्मचारी था वो नहीं दिखाई दे रहा। तो वो एकदम से चौंक गए, क्योंकि उनको इस प्रश्न का कुछ भी थोड़ा सा दिमाग में नहीं था कि ऐसा प्रश्न भी वो कर देंगे। कहते वो कहाँ पे है, क्या वो वहीं पे तैयारियों में है? तो किसी ने कहा कि प्रभुपाद जी ऐसा है, उसमें कुछ दुराचार देखा गया, कुछ गलत उसने किया तो उसे निकाल दिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसे ढूंढ के लाओ, जब तक वो नहीं आएगा मैं आगे कोई कार्य नहीं करूंगा। सबको भगा दिया गया, सब भाग रहे हैं, किसको ढूंढने के लिए, उस नवीन ब्रह्मचारी को, उस नए ब्रह्मचारी को, कुछ समय ही हुआ था जिसको मठ में आए हुए, पुराने पुराने लोग ढूंढ रहे हैं उसको। जब काफी जगह देखा गया कि अरे कुछ दिन हुए हैं, शायद यहाँ चला गया होगा पूर्व आश्रम के स्थान पे, कई कई जगह पता किया नहीं मिल रहा है, तो किसी ने कहा कि देखो अभी कुछ दिन पहले ना मेरी घड़ी खराब हो गई थी और उसने बड़े अच्छे से ठीक कर दी, वो घड़ी का बड़ा कुशल मैकेनिक है, तो अब मठ छोड़ के गया है, जीविका का कुछ तो साधन ढूंढेगा, तो क्या करेगा, शायद क्या पता कहीं घड़ी किसी घड़ी की दुकान में घड़ी ठीक कर रहा हो। तो कहते चलो ठीक है, आसपास के सारे गाँव में देखो कि घड़ी की दुकानों में जाके देखो कि कहाँ। तो एक जगह देखा, वो घड़ी ठीक करता हुआ मिल गया। तो जो भी गए और जैसे ही उसका नाम बुलाया, वो उनको देखते ही क्या है, रोने लग गया और हाथ जोड़ लिए। उसको ये भय है कि यहाँ तक ढूंढ लिया मुझे, पता नहीं क्या करेंगे। कहते ठीक है मैं यहाँ से भी चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। अरे नहीं चला जाना नहीं, चल साथ चल। क्या हुआ, प्रभुपाद जी बुलाए, उसे प्रभुपाद जी के पास ले जाया गया। तब प्रभुपाद जी ने एक चीज बोली, किसको बोली, सबको, मुझको, क्या समझा रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद ब्रह्मांड भ्रमित करो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जन्मों के बाद धक्के खा खा के कैसे कैसे जन्म लिए हैं हम देख सकते हैं।
गधे हमारे सामने भी हैं, कुत्ते भी हैं हमारे सामने, बिल्लियां हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, सब देखो कैसे कैसे जन्म है। और ये जो मनुष्य जन्म भी हमें मिला हुआ है, इसमें भी क्या बहुत कष्ट, बहुत क्या सुख मिल रहे हैं, क्या बहुत ऐश्वर्य मिल रहे हैं, क्या देवताओं की हालत भी हमने भागवतम में पढ़ रखी है, देवताओं की भी हालत हमने भागवतम में पढ़ रखी है। ये देखो जितने ये 84 लाख योनियां हैं, ब्रह्मा जी ने जो भी सृष्टि करी है, कोई सुखी नहीं है। और ऐसे असंख्य जन्मों के बाद एक तो ये दुर्लभ मानव शरीर मिला, और उसके बाद ऐसा सदगुरु पदाश्रय ये मिला। तो ऐसे जीव में जो कि अपने पूर्व असंख्य संस्कारों को लेके चल रहा है, दोष तो होना ही होना है। एक गौड़ीय रसामृत से भी छोटे छोटे वीडियो, बड़ी बड़ी कथाएं आ रही हैं, उसमें भी श्रील प्रभुपाद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को के माध्यम से, जिस प्रकार से कृष्ण अर्जुन के माध्यम से पूरे जगत को शिक्षा दी, प्रभुपाद जी भी क्या कर रहे हैं, अपने एक एक गण जिनको वो क्या कहते थे, ये मेरा शिष्य वर्ग नहीं, ये मेरा गुरु वर्ग है, उनके माध्यम से हमें एक एक छोटी छोटी शिक्षा दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इस जगत में मैं किस लिए आया हूँ, इस जगत में तुम किस लिए आए हो, या इस मठ मंदिर में ये जो स्थान हमने बनाया, हम किस लिए आए हैं, अपना भजन करने के लिए। कि मैं किस लिए आया, अपना भजन करने के लिए। मैं क्या करूं, मेरा सारा फोकस किस तरफ होना चाहिए, वो कह रहे हैं चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, तुम्हारा फोकस क्या होना चाहिए, तुम्हारी सारी शक्ति किसमें होनी चाहिए, अपना भजन करने में। तो उस जगह जहां पे उस ब्रह्मचारी को बुलाया, तो वहां पे सबको दिखा रहे हैं कि देखो बड़ी दुर्लभता से ये इस शरण में आया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या दिखा रहे हैं, करुणा दिखा रहे हैं, एक एक गुण भरा हुआ है इनके अंदर। हम महिमा आज से नहीं, श्रील प्रभुपाद जी की जब से हमारे पे कुछ गुरुवर वैष्णवों की दया हुई है, हम इन तिथियों का पालन करते हुए आ रहे हैं, या कभी कभी बीच में भी सभाओं में हम कई बार प्रभुपाद जी के बारे में सुनते आ रहे हैं, तो क्या हमारे हृदय में कभी क्या एक छोटी सी ही एक आवाज उठती है, मैं ऐसा बनना चाहता हूं, हुई कभी ऐसी? मैं कुछ किसी वैष्णव का संग किया तो उन्होंने ऐसी प्रश्न किया, कभी मन में आता है, जैसे गुरुदेव ने भी कहा तुम्हें भजन करना पड़ेगा रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा, तुम्हें भजन करना पड़ेगा भक्ति विनोद ठाकुर जैसा, तब जाके चाहते क्या है, बच्चे बच्चे को रटवा दिया शीला गुरुदेव ने, राधा दास्यम, क्या इतना सहज है, क्या इतना सहज है। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे जो गुणानव प्रभुपाद हैं, क्या कभी किसी एक गुण या कुछ गुणों को देख के मन लालच होता है, ललायित होता है कि ये कब मेरे अंदर आएगा। तो श्रील गुरुदेव के चरणों में, उनके हाथों में एक पुष्पांजलि स्वरूप अपने हृदय की कुछ प्रार्थनाएं मैं श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में पुष्पांजलि स्वरूप दे रहा हूँ कि हे प्रभुपाद, आपके इस गुण कीर्तन को सदैव ये कान श्रवण करते रहें, क्योंकि कुछ जो समझ में आया इन्हीं गुरु वैष्णवों के माध्यम से, कि ये समझ में आया कि हमारा पंथ दर्शन पंथ नहीं है, आंखों से दर्शन वाला पंथ नहीं है, हमारा गौड़ीय पंथ क्या है, श्रौत पंथ है। हमारे यहाँ पे बोला गया है कानों से दर्शन होते हैं, तो सदैव क्या हो, हे प्रभुपाद जिस स्थान पे जाऊं, जहां जाऊं, क्या हो, सदैव गुणगान सुनने को मिले, आपका हरि गुरु वैष्णवों का गुणगान सुनने को मिले। हे प्रभुपाद ऐसा ही संग मुझे सदैव प्रदान करें, जो संग केवल क्या करे, हरि गुरु वैष्णव गुणगान में ही लगा हो। और क्या हो कि एक दिन, क्योंकि अभी तो वो मन में आया भी नहीं है, क्योंकि किसी ने प्रश्न किया है फिर भी नहीं आया है, तो एक दिन हृदय में ऐसा आए कि हाँ मुझे आप जैसा बनना है। क्योंकि जिस दिन ये हृदय में आ गया ना, जिस दिन हृदय में आ गया कि मुझे आप जैसा बनना है, कैसा, ये नहीं कि बहुत बड़ा आचार्य है जिसके बड़े बड़े धुरंधर शिष्य है, ये नहीं, भजन साधन में, वो आध्यात्मिक धनी में, जैसे इस संसार में हम देखते हैं कोई बहुत धनी है, बहुत ज्ञानी है, बहुत मानी है,
मन में आ जाता ना, काश मैं भी ऐसा बोल जाऊं। हम जितने भी कहीं पे भी हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिस स्थिति पे वो बैठा है वो उसी पे रहना चाहता है, वो उसी कंपनी का सीईओ बनने के सपने देख रहा होता है, वो उसी कंपनी का सेल्स डायरेक्टर बनने का सपने देख रहा होता है। तो ऐसे ही ये जन कौन है, अगर इनके आचरण से, इनके इन गुणों से अगर मैं प्रभावित नहीं हो पा रहा, इतना कुछ सुनने के बाद भी अगर मेरे हृदय में हल्की सी भी एक आवाज नहीं आती कि कुछ ऐसा बनना है, तो इनका किया हुआ सारा साधन, ये जो आचरण करके दिखा रहे हैं किसके लिए, क्या इनको किसी वस्तु की प्राप्ति करनी है? हमने महाराज जी से भी सुना, ये कौन है? राधा रानी की नयनमणि मंजरी है, इनको राधा रानी की सेवा मिली हुई है, ये उस जगत से इस जगत में आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? हम लोगों के हृदय में वो इंस्पिरेशन देने के लिए, वो उत्साह देने के लिए आए हैं कि हमारे हृदय में भी वो भावना जागृत हो कि किसी दिन हम वो करें। तो वो बनने के लिए, अगर मंजरी बनना है तो वही मंजरियां, वह जो मंजरियां वहां पे नित्य सेवा कर रही हैं, तो जो मंजरियां यहाँ पे इस जगत में जिस प्रकार का साधन कर रही हैं, तो क्या वो भावना कभी हृदय में नहीं आनी चाहिए कि वो तो नित्य सेवा, तो नित्य सेवा है, जो ये नित्य साधन है, ऐसा मेरा साधन किसी दिन हो जाए। कि मैं, प्रभुपाद जी ने प्रचार शुरू किया कब, उनको शिला प्रभुपाद टाइटल क्यों मिला? पूरे गौड़िया वैष्णव, पूरे वैष्णव समाज ने, गौड़िया ही नहीं खाली, वैष्णव समाज ने मिलके जब उनके उस सत कोटि नाम यज्ञ को देखा, तब देखा भूतो ना भविष्यति, ना ये कभी भूत में हुआ ना भविष्य में कैसा हो पाएगा, ये कौन है? ये है शिला प्रभुपाद। कौन है प्रभुपाद? प्रभुपाद श्रीला, गुरुदेव इसका अर्थ बताते हैं, श्रीला। श्रीला मतलब क्या? श्री को जो ला दे, जो उस राधा रानी के उस प्रेम को, उस भाव को आपके हृदय में ला दे, उस सेवा भाव को आपके हृदय में ला दे, जो उस श्री को, जो भक्ति की उस श्री को, भक्ति की श्री क्या है? उन्नत उज्जवल भक्ति रसाम श्री, जो उस भक्ति की श्री क्या, उस मंजरी भाव को जो आपको ला दे, और क्या है उस प्रभु, जब ये अपने आप आ गया तो क्या होगा? वो जो प्रभु है, प्रभु कौन है? श्री गोविंद, श्री कृष्ण, उन्हीं के पास। क्योंकि राधा रानी भी, हम ठीक है, हम राधा रानी के पक्षपाती हैं, परंतु वह राधा रानी भी सदैव क्या कर रही हैं? अपने प्राण गोविंद की ही सेवा में लगी हुई है, अपने प्राण गोविंद की ही सेवा में लगी हुई है। तो वो उन प्रभु के पाद क्या है, अपने आप स्वतः ही इस हृदय में आ जाएंगे, वो हमारे को ढूंढते हुए। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा प्रेम जब हृदय में उत्पन्न हो जाएगा तो कृष्ण स्वयं चलते चलते तुम्हें ही ढूंढ, मतलब तुम्हें ढूंढते हुए चल चल के तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हें कहीं ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी ही प्रार्थना करते हुए श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में पुनः पुनः गणों प्रणाम करते हैं, महाराज जी के चरणों में, श्रील पूरे गुरु वर्ग के चरणों में, कि एक दिन वैसा आए कि वो हल्की सी प्रेरणा हमारे हृदय में भी आए कि प्रभुपाद हमें अपने जैसा बना लो। हिताई गौर प्रेमानंद ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पद्रुभश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद सर्वहातु जगत बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सब सो रहे हैं। सर्वप्रथम परमारतम गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ।
तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद दर्शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त रूपानु गुरु परंपरा के झंडों में अनंत कोटि अनंत प्रणाम। आज इनकी शुभ तिरुभाव तिथि है। जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद दर्शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरे यथायोग्य प्रणाम। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इनकी महिमा हम कितने समय से श्रवण कर रहे हैं, पूर्व पूर्व वर्षों में भी और अभी भी, लेकिन कहते हैं अप्राकृत वस्तु ना ही प्राकृत गोचर। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सर्व महागुणे गण वैष्णव शरीरे कृष्णेर सकल गुण भक्तेर संचारे, कि ये कृष्ण के अनंत गुण है और कृष्ण के सारे गुण वो उनके भक्त में संचरित कर देते हैं। तो यदि कृष्ण के और उन कृष्ण को भी आकर्षित करती हैं श्रीमती राधा रानी, तो श्रीमती राधा रानी में निश्चय रूप में कृष्ण से भी ज्यादा गुण होंगे और उन्हीं श्रीमती राधा रानी की नयन मणि मंजरी स्वरूप श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद हैं। जब उनके गुण इतने अनंत हैं और ऊपर से भी अप्राकृत गुण, तो उनकी महिमा गान करना एक बद्ध जीव के पक्ष में बिल्कुल संभव तो है ही नहीं। फिर भी कहते हैं हम जिस साधक पथ पर चल रहे हैं, हम जिस पथ पर चल रहे हैं भक्ति मार्ग में, श्री भक्ति मार्ग ही है कंठक कोटि रुद्धा, इसमें कई कई बाधा विपत्ति हैं, लेकिन ऐसे महापुरुषों की गुण महिमा गान करने से, इनके जीवन चरित्र को श्रवण करने से हमें उस भक्ति पथ पर चलने के लिए बल प्राप्त होता है। इसी आशा से अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए ही हम इन महापुरुषों का गुण कीर्तन करते हैं, इनकी कथा श्रवण करते हैं। हम सुन रहे थे कि इस प्रकार इन महापुरुष का जब जन्म हुआ था, जन्म से ही इनके श्रेयंग पर तिलक और जनेऊ का निशान था। जब इनके 6 मास हो गए जन्म के पश्चात इनके अन्नप्राशन का समय उपस्थित हुआ, उस समय पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये विराजते थे जगन्नाथपुरी में, जहां पर अभी चैतन्य गौड़ीय मठ है, तो उस स्थान पर इनका घर था। जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई थी, हमने श्रवण किया था कि इस प्रकार जगन्नाथ जी का रथ इनके घर के सामने 3 दिन तक खड़ा रहा। कितने दिन तक? 3 दिन। 3 दिन तक जगन्नाथ जी इन महापुरुष के दर्शन के लिए वहां पर खड़े रहे। जब भक्ति विनोद ठाकुर को ज्ञात हुआ तब उन्होंने प्रभुपाद जी को गोद में लेकर और जब इनके रथ जगन्नाथ जी के रथ पर लेकर आए, तो उसी समय पर जगन्नाथ जी के रथ के गले से जो अधरा माला थी वो गिरकर और इन महापुरुष के गले में गिर गई। मानो जगन्नाथ जी ने ही स्वयं आशीर्वाद दिया था कि परवर्ती काल में यही मेरे भक्ति को सर्वत्र प्रचार करेंगे। श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज इनके आश्रित जो हुए हैं, वो इस कथा ये जो घटना हुई इसके पीछे बड़ा रसिक अर्थ करते हैं। कहते हैं जगन्नाथ जी है कौन? ये जगन्नाथ जी वही कृष्ण है। ये वही कृष्ण है जो जब वृंदावन में रहते थे, वृंदावन में रहते समय जब मथुरा जा रहे थे, तो मथुरा जाते समय ब्रज गोपियों से कहकर गए थे कि तुम चिंता मत करो, आज मैं जा रहा हूँ, कल कृष्ण का वध करूंगा और परसों में वापस ब्रज में लौट आऊंगा, कंस का वध करूंगा और परसों वापस लौट आऊंगा। लेकिन क्या हुआ, उसी समय पर कृष्ण मथुरा चले गए और मथुरा से द्वारका और वहीं पर ही रह गए, वापस नहीं आए। अब वही कृष्ण यहाँ पर जगन्नाथ जी के स्वरूप, जगन्नाथ जी है कौन? कृष्ण ही साक्षात, और श्री भक्ति विनोद ठाकुर और श्री प्रभुपाद ये दोनों राधा रानी की नयनमणि मंजरी और श्री कमल मंजरी है। आज जब जगन्नाथ जी रथ के ऊपर आरूढ़ होकर और जब गुंडीचा मंदिर की ओर जा रहे थे, उसी समय पर इनके बाहर प्रभु श्री भक्ति विनोद ठाकुर के घर के बाहर विराजमान रहकर और वही मंजरियों को दर्शन करना चाहते हैं। ये नयनमणि मंजरी है कौन? ये राधा रानी की नयनमणि, अर्थात श्रीमती राधा रानी कृष्ण के रूप माधुर्य का जो आस्वादन करती हैं, वो आस्वादन करवाना ये श्री नयनमणि मंजरी की सेवा है। दर्शन किससे होता है? आंखों से होता है ना। तो श्रीमती राधा रानी जो कृष्ण के रूप लावण्य का आस्वादन करती है, वो श्री नयनमणि मंजरी की सेवा है। ये ही श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के रूप माधुर्य का आस्वादन करवाते हैं। तो आज श्रील प्रभुपाद और श्री भक्ति विनोद ठाकुर ये मानो वहां पर कृष्ण को अपेक्षा करवा रहे हो कि तुम वही कृष्ण हो, तुम वही हो जिन्होंने हमसे कहा था कि आज जा रहा हूं, कल कंस को मारूंगा, परसों वापस लौट आऊंगा, लेकिन परसों छोड़ो, बरसों बीत गए और अब तक आए नहीं। इसीलिए वो कृष्ण आज मानो श्री भक्ति विनोद ठाकुर के घर के बाहर काकुति मिनती करते हुए सुनते हैं ना। प्रभुनंद सरस्वती पाद कहते हैं यत् किं करिषु बहुषु खलकाकुवाणी नित्यं परश पुरुषस्य शिखंड मौले, कि जिस कुंज के आगे श्री कृष्ण स्वयं श्रीमती राधा रानी की नहीं, उनकी मंजरियों, उनकी सखियों के आगे हाथ जोड़कर काकुति मिनती करते हैं कि मुझे
अपनी स्वामिनी का दर्शन दे दो। आज तुम भी अपनी स्वामिनी के समान क्यों इतनी निष्ठुर हो गई हो? क्या मुझे भीतर प्रवेश नहीं दोगी? आज वही कृष्ण आज नयनमणि मंजरी और श्री कमल मंजरी के सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे दर्शन, नयनमणि मंजरी का दर्शन करने के लिए वहां पर 3 दिन तक उनका रथ खड़ा रहा। हाथे घोड़ी सैन्य सामंत कईयों ने चेष्टा करी खिलाने की, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ नहीं हिला। बाद में 3 दिन के बाद में जब भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद को लेकर आए तो प्रभुपाद का दर्शन करने मात्र से ही, श्रीमती राधा रानी के कटाक्ष मात्र से ही जिस प्रकार कृष्ण की अवस्था हो जाती है, बंसी करार निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम, कृष्ण के मयूर पुच्छ गिर जाता है, कृष्ण के हाथ से बंसुरी गिर जाती है, उनका पीताम्बर भी सरक जाता है, ऐसे ही आज जगन्नाथ जी की अवस्था हो गई। नयनमणि मंजरी के दर्शन करने मात्र से उनके गले से अधरा माला गिर गई और गिरकर श्री प्रभुपाद जी के गले में चली गई। ऐसी श्री भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज ने इसकी रसिक व्याख्या करी कि प्रभुपाद है कौन जिसके सामने स्वयं कृष्ण स्वयं जगन्नाथ जी भी स्थिर नहीं रह पाते, इसीलिए इन महापुरुष का इतना सर्वत्र प्रचार हुआ। और प्रचार के लिए एक विशेष बात क्या, इनके जीवन में देखे गए इनके प्रचार के अंदर ये सत्य के, वास्तव सत्य के निर्भीक वक्ता थे। कोई भी बातों को शुगर कोटेड करके और फिर सर्व करने वाली इनके अंदर नहीं था। जो वास्तविक सत्य है, जो आत्मा को लक्ष्य करता है, उस वास्तविक सत्य के निर्भीक वक्ता थे। कभी जब ये छोटे थे, जब इनकी इतनी ख्याति नहीं हुई थी, उस समय पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपने ग्राम में वहां पर कथा करते थे संध्या के समय पर। भक्ति विनोद ठाकुर को किसी कार्यवश बाहर जाना पड़ा तो इन्होंने ये विमला प्रसाद से कहा कि तुम जो है जो भी भक्त लोग आते हैं उनको संध्या में कुछ हरी कथा कहना। जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर वापस पुनः अपने घर में आए तो इन्होंने देखा कि पहले के समय पहले तो काफी सारे श्रोता आते थे, लेकिन जब ये वापस आए उस समय पर वही 2-4 कुछ श्रोता रह गए। तो इनसे प्रश्न किया कि ऐसा क्यों है? तो उस समय पर इनकी हरि कथा, इनकी इतनी बलवती और इतनी सत्यवादी हरि कथा थी, सारे अपसिद्धांत को खंडन करने वाली, जो बीड़ी खाते हैं, जो मांस खाते हैं, जो मछली खाते हैं, उन सब का पूर्ण रूप से खंडन करते थे। संत एवस्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी, अरे संत की वाणी तो कुठार के समान होती है, जो बद्ध जीव के हृदय में जो काम क्रोध लोभ इत्यादि अनर्थ हैं, जो सारी माया में फंसी हुई ग्रंथियां हैं, उनको छेदन करती हुई, ऐसे ही इनकी निर्भीक सत्य के वक्ता थे। उस समय पर इनकी हरि कथा से श्रवण करते जिन लोगों को सच में वास्तविक हरि कथा सुनने की इच्छा थी, वो ही लोग तो केवल रहे, और जो केवल मात्र भक्ति विनोद ठाकुर के साथ में संबंध के कारण आते थे वो चले गए। इनकी हरि कथा वो सहन नहीं कर पाए, इतने कटु इनकी हरि कथा थी, इनकी कठोर इनके वचन थे, इसलिए निर्भीक सत्य, वास्तविक सत्य के निर्भीक वक्ता थे। कभी एक ब्रह्मचारी जब इनके आश्रित हो गया, सब अपने माता पिता को छोड़ के और इनके पास में आ गया, तो उनकी माता बड़ी क्रंदन करती करती और प्रभुपाद जी के पास में आई, बोले मेरा एक ही संतान थी वो भी आपकी हरि कथा श्रवण करके और घर का परित्याग करके और मठ में आ गया है, मेरे पति का भी देहांत हो गया है, आप दया करके इसे कह दीजिए कि ये पुनः मेरे साथ घर में जाए ताकि मैं अपना बुढ़ापा ठीक से जी पाऊंगी, क्योंकि मेरा और कोई सहारा नहीं है। तो समय पर जितने जोर से वो माँ क्रंदन कर रही थी, उससे भी ज्यादा जोर से प्रभुपाद जी क्रंदन करते करते और कहने लगी कि मैं कभी इतना निष्ठुर नहीं हो सकता, मैं कभी इतना निष्ठुर नहीं हो सकता, क्योंकि कोटि जन्मे यदि थाकेले हो भाग्य, संसार छाड़ी है वैराग्य, अरे 84 लाख योनि में भ्रमण करते 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 कभी किसी सौभाग्यवान जीव को इस संसार से विरक्ति होती है और वैराग्य को धारण करके वो सद्गुरु चरण आश्रय लेता है। सदगुरु चरण आश्रय लेके जब वो भगवत भजन करना चाहता है तो उस समय पर मैं कैसे इतना निष्ठुर हो जाऊं कि इसे वापस उस माया के गर्त में भेज दूं? कैसे इसे तुम ज्यादा ज्यादा करोगी क्या, इसको शादी करवा के और 2-4 बच्चे हो जाएंगे और पशुओं के समान अपना जीवन यापन करते करते एक दिन मृत्यु हो जाएगी, लेकिन यदि भगवत भजन किया, यदि सदगुरु चरण आश्रय करके भगवत भजन किया तो ये 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का जो चक्कर है वो पूरा चक्कर ही छूट जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने वहां पर निर्भीक सत्य की ही बात कही, भले ही कितने भाव, भले ही कितने अश्रु उस माँ ने प्रवाहित किए वहां पर, लेकिन प्रभुपाद जी उससे तस्मस नहीं हुए और निर्भीक सत्य की बात वहां पर वर्णन करी। प्रभुपाद जी के कई कई उपदेश है श्रवण करने को, इनका एक उपदेश है ना, हम श्रवण करते हैं कि किसी एक माया में फंसे हुए किसी एक जीव को भगवान के भजन में लगाने का जो उपकार है वो कोटि कोटि अस्पताल को ही खोल दे, कोटि कोटि स्कूल अन्य छत्र को ही खोल दे, उससे भी करोड़ गुण ज्यादा है। कोई एक जीव को भगवान के भजन में लगाने का इतना ज्यादा फल है। अभी किसी साधारण व्यक्ति को यदि बात कहो वो तो क्या कहेंगे,
अरे भैया इतने सारे अन्न छत्र खोले हैं, इतने सारे हॉस्पिटल खोले हैं, इनसे कितना कल्याण हो रहा है, कितने लोगों का कल्याण हो रहा है, सबके शरीर सुस्त हो रहे हैं, सभी को शिक्षा प्राप्त हो रही है। साधारण व्यक्ति को यदि ये उपदेश सुनाओ तो वो कहेगा कि नहीं नहीं प्रभुपाद जी की दया ये ठीक नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे कि हॉस्पिटल अन्न छत्र स्कूल कॉलेज से जो दया हो रही है ये सारी शरीर की दया है, ये सारी मंद दया है। लेकिन महाप्रभु की दया ये नहीं है, चैतन्य तब दया नहीं दे अमंदोदय दया है ना, श्रीमन महाप्रभु की दया अमंदोदय दया है, ये शरीर की दया नहीं। एक उदाहरण देकर बताते हैं, जैसे किसी गांव में बहुत जोर से बाढ़ आ गई, बाढ़ में क्या हुआ था, कई के व्यक्ति बहते बहते जा रहे थे, लेकिन एक किनारे पर व्यक्ति खड़ा हुआ था, उसने सोचा कि मैं जाकर किसी की रक्षा करता हूँ। तो उसने क्या किया, पानी में कूदा और किसी व्यक्ति को बचाने के उद्देश्य से उसका कोट पकड़ लिया। अब पानी का बहाव इतना तेज था कि वो व्यक्ति तो बह के चला गया, उसका कोट हाथ में आ गया। किसी व्यक्ति को और दूसरे व्यक्ति को बचाने की चेष्टा करी, उसकी धोती पकड़ ली, लेकिन क्या हुआ, वो व्यक्ति फिर बहकर चला गया। किसी के वस्त्र पकड़ पकड़ के वो बचाने की चेष्टा कर रहा था लेकिन किसी को बचा नहीं पाया। उसके विपरीत एक व्यक्ति ने क्या किया, पानी में बहते हुए उस व्यक्ति की चोटी पकड़ के उसको घसीटते हुए और तट तक ले आया। इस व्यक्ति ने पांच व्यक्ति को बचाने की चेष्टा करी, एक व्यक्ति को भी बचा नहीं पाया, सब वस्त्र उठा उठा कर ले आया। लेकिन दूसरी ओर जब एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति की जान रक्षा कर दी, उसको शरीर उसके शरीर को खींच कर उसको पकड़ के और तट तक ले आया, तो किसकी ज्यादा दया हुई है आप बताओ, जो व्यक्ति ने किसकी जान बचाई है। ऐसे ही कह रहे हैं, ये शरीर के ऊपर जो दया करते हैं, अन्न छत्र हॉस्पिटल स्कूल इत्यादि खुलवा के, ये सारी तो मंद दया है। भगवान गीता में कहते हैं ना, वासंसी जीर्णानी यथा विहाय, ये शरीर तो एक कपड़ा ही है, इसके ऊपर करी हुई दया तो मंद हो जाएगी। लेकिन यदि कोई आत्मा को लक्ष्य करते हो, आत्मा को अगर किसी जीव को भगवान के भजन में नियुक्त किया, तो उसका ये 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का चक्कर ही खत्म हो जाएगा, वो भगवान के चरणों को आश्रय प्राप्त करेगा। इसलिए वो दया अमंदोदय दया है। प्रभुपाद जी का इतना सर्वश्रेष्ठ विचार था, इतना उन्नत विचार वो वर्णन करते थे। इनका जब प्रचार होने लगा, तब किसी ने इनसे प्रश्न किया कि आपकी सोसाइटी में कितने फंड्स हैं, आपकी अब तो अच्छी सोसाइटी हो गई है, आपके फंड कितने फंड्स हैं, किसी ने प्रश्न किया। तो अभी जब हम सुन रहे थे ना, हमारा आज्ञा गुरु है या तारो ये देश, इन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि हम अपनी सोसाइटी में फंड्स नहीं रखेंगे, हम उसके विपरीत में कर्जा लेके पैसा उधार लेकर हम प्रचार करेंगे, और प्रचार करेंगे तो उससे हम भक्त लोग जुड़ेंगे, लेकिन वो जब लोन चुकता करना होगा तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, लोगों से भिक्षा करनी पड़ेगी। अभी हम लोगों के पास में यदि भिक्षा करने जाएंगे, हमारा आचरण यदि सही नहीं हुआ तो लोग हमें भिक्षा नहीं देंगे, तो बलात् हमें हमारा आचरण ठीक करना पड़ेगा। तो प्रचार करने के उद्देश्य से अंततः हमारा आचरण ही ठीक हो जाएगा, क्यों, हम प्रचार करने के लिए उधार लेंगे, उधार चुकता करने के लिए आचरण ठीक करके भिक्षा करेंगे, और इसी माध्यम से क्या होगा, हम स्वयं भी आचरण ठीक हो जाएंगे और सर्वत्र प्रचार भी हो जाएगा। इनका उद्देश्य ये था, कहते थे हम इस जड़ जगत में काठ और ईंट के मिस्त्री बनने के लिए नहीं आए हैं, यदि आवश्यकता हुई तो गौड़िया मठ की एक एक ईंट को बिक्री करके हम भगवान के प्रचार के अंदर लगेंगे, इतना इनका सर्वश्रेष्ठ विचार था। इसलिए जो हम सुन रहे थे, आमार आज्ञा गुरु है ये तारो ही देश, यदि पूर्ण रूप से शुद्ध होने के बाद में हम भगवान की वाणी का प्रचार करेंगे, ऐसा नहीं है, भगवान की वाणी का प्रचार करते करते, हरिकथा वर्णन करते करते, श्रवण करते करते क्या होगा, हमारा आचरण भी शुद्ध होगा और भगवान की वाणी का भी प्रचार हो जाएगा। आज इन महापुरुष की जो तिथि है, किस प्रकार का इनका प्रचार था, जो हम सुनते थे ना, आचार करे क्यों ना करे प्रचार, यद्यपि इन्होंने तो शतकोटि नाम यज्ञ किया, लेकिन उस समय पर शिक्षा क्या दी, जितना प्रचार किया उससे तो बहुत ही कम ही, जितना आचरण किया उससे तो बहुत कम प्रचार किया, कहां पर शतकोटि नाम यज्ञ किया था। लेकिन जब इनका अंतिम समय, जब ये महापुरुष शरीर छोड़ के और निज धाम को जाएंगे, उस समय पर ये कीर्तन भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज गा रहे थे हरि नाम के ऊपर की, तू हो दयाए छाना परम में लिखते हैं
हरि नाम के ऊपर कि प्रभु आपकी दया, हरि नाम की कितनी महिमा है, तुहु दया ए छन परम उदारा। हे हरि नाम प्रभु, आपकी इतनी परम दयालु, आप इतने परम उदार हैं, आपकी इतनी दया है, लेकिन इतनी दया होने पर भी मैं इतना मंदभागी हूँ। जब ये लाइन आई कि तुहु दया ए छन परम उदारा, अतिशय मंदनाथ भाग्य हमारा, अतिश अपने सर पे ऐसे हाथ पीटते पीटते कह रहे हैं कि मेरा इतना मंद भाग्य है कि मेरी इस नाम के अंदर रुचि नहीं हुई। कौन कह रहा है? जिसने शतकोटि नाम यज्ञ किया, चंद्रायन व्रत पालन करते हुए जिसने शतकोटि नाम यज्ञ किया, वो आज अपने अंतिम समय पर ये कह रहे हैं कि मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मेरी हरिनाम में मति नहीं हुई। अरे जिनका इतना सर्वश्रेष्ठ आचरण रहा हो, 100 कोटि नाम यज्ञ यदि किसी ने किया हो, तो कम से कम सबको ये शिक्षा तो देता कि तुम से कम 1-1 लाख नाम रोज किया करो। लेकिन इन्होंने क्या क्या अंतिम समय पर क्या कह रहे हैं कि मेरा इस नाम के अंदर रुचि नहीं हुई। इतना दीनहीन भाव, इतना तृणादि सुनिचेन भाव इनके जीवन में, उसकी प्रतिमूर्ति साक्षात मूर्ति स्वरूप इसलिए महापुरुष थे। इसलिए आज इनकी तिरुभाव तिथि पर हमें भी क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय में जो अभिमान है, वृथा अभिमान है, सुन रहे थे ना, प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्टा, ये जो प्रतिष्ठा की आशा हमारे हृदय में है, जो वृथा अभिमान हमारे हृदय में है, वो किसी रूप किसी तरह से दूरीभूत हो और तृणादपि सुनीच भाव हमारे हृदय में आए, तभी जाकर जो सर्वश्रेष्ठ महाप्रभु जो वस्तु देने आए थे, हम उसको प्राप्त करने के योग्य बनेंगे और वैष्णव को सम्मान करने के योग्य बनेंगे। वांछा कल्पति वर्ष के पास सब लोग एक बार हाथ उठाके बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद स्तोत्र तथा में भक्ति वेदांत लक्ष्मी गोस्वामी गुरु महाराज जी चरण साष्टांग वंदन प्रणाम गर्गुण गई गुरुपादांक्षा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग रूपानुभव गुरुपाद पद्म, आज जिनका विरह तिथि है, गौड़िया मठ के प्रतिष्ठाता जगत गुरु श्री श्रीमद नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र तथा भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर रूपाद जी के चरण में साष्टांग वंदन प्रणाम गर्गुण गई गुरुपादांक्षा करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद जी कृष्ण गौ समय समस्त ब्रह्मचारी वृंद भक्त वृंद वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंद माताएं समस्त चरण का यथाजथ दंडा प्रणाम स्वीकार हो। आज एक विशेष तिथि है, ये इंट्रोडक्शन देना और जरूरी नहीं है कि प्रभुपाद कौन है, प्रभुपाद का क्या महिमा है, बस सबको पेट में चूहा कूद रहा है, चूहा दौड़ रहा है और बहुत समय भी बहुत बीत चुका है, बहुत टाइम हो चुका है। बस उनके जीवन चरित्र के एक बस एक घटना बस मैं बता देता हूँ कि इन्होंने श्रील प्रभुपाद ने किस प्रकार अपने आश्रितों के ऊपर कृपा किया, अपने आश्रितों के ऊपर किस प्रकार कृपा किया। बता रहे हैं कि गौर विग्रह वाणी, गौर विग्रह वाणी का ये स्वरूप मूर्तिमान स्वरूप है। तो महाप्रभु के जो वाणी वो हर समय निर्भीक, जो बोल रहे थे ना प्रभु जी कि निर्भीक, यानी कोई अगर किसी चीज को देना चाहे, वास्तव में किसी चीज को लेना चाहे तो उसको डर लगेगा, लेकिन वो प्रभुपाद देने के लिए आए, किसी चीज को लेने के लिए नहीं। इसीलिए महाप्रभु का जो वाणी है, महाप्रभु जिस प्रेम को देने के लिए आए है, जिस चीज को देने के लिए आए है, पूर्व पूर्व कोई आचार्य नहीं दे पाए और पूर्व इस प्रकार का कभी संभव ही नहीं हो पाया कि महाप्रभु जिस चीज को दे आए, जिस चीज को दिया कि ना ही देखे स्थाने स्थान, स्थान स्थान का विचार नहीं किया, पात्र अपात्र का विचार नहीं किया और उसी प्रेम को दिया। खाइया सोइया से प्रेमित दान कर लो, इतना मात्रा में वो प्रेम दान कर ले, आश्चर्य प्रेमेर भंडार सत गुना बढ़े, इतना मात्रा में दान करने पर भी वो प्रेम के जो भंडार है वो कभी घटता नहीं, वो हर समय क्या होता है, वृद्धि होता है। तो श्रील प्रभुपाद भी वो श्रीमन महाप्रभु के प्रेम के वो जो गौर बाणी, महाप्रभु के बाणी सूत्रों से श्रीमन श्रील प्रभुपाद, तो श्रील प्रभुपाद भी क्या चीज दिया, अपने आश्रितों को किस प्रकार कृपा किया। जो बोलते हैं ना हर समय निर्भीक रूप में बोलते हैं श्रील प्रभुपाद, किसी समय ढाका में हरे कृष्णा किसी समय ढाका में
पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, उस समय पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी इस बात को बता रहे हैं कि किसी समय ढाका में पूज्यपाद भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी उस समय उस मठ का इंचार्ज थे। तो वहाँ पे बहुत सारे ब्राह्मण लोग थे, तो बहुत सारे ब्राह्मण लोग थे, सब लोग बोलते थे यार भाई ये गोड़िया मठ में कौन सा विचार है, नाम ही परिवर्तन कर देते हैं, नाम ही चेंज कर देते हैं, और वर्णाश्रम का तो कोई विचार ही नहीं है, चाहे कुछ किसी को भी जनेऊ दे देते हैं, किसी को भी दीक्षा दे देते हैं। हाँ दीक्षा ये तो सब ब्राह्मण के लिए होता है, जनेऊ आदि किसके लिए होता है, देखा जाता है ब्राह्मण के लिए होता है, किसी को भी तिलक करवा देते हैं, किसी को भी कंठी दे देते हैं, किसी का भी नाम को परिवर्तन कर देते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने बड़े, क्योंकि उसी समय पे बंगाल में इतना अपसंप्रदाय, इतना अपसंप्रदाय फैला हुआ था कि उन लोगों ने प्रभुपाद का प्रचार को इतना मात्रा में फैलते हुए देखते हुए उन्होंने इतना विरोध किया, और विरोध करने पर भी हार गए। हार करके एक वहाँ के जितने भी इलेक्ट्रिक पोल था उसी पोल में लिख दिया कि ये प्रभुपाद क्या करते हैं, सबके जाति कुल गोत्र नाम को चेंज कर देते हैं, इनसे दूर रहिए, इनसे हर समय आप दूर रहिए। तो स्वयं प्रभुपाद वहां पे गए, स्वयं प्रभुपाद वहां पे जाके वहां पे जितने भी ब्राह्मण लोग थे, जितने भी ब्राह्मण लोग को, पूरा ब्राह्मण समाज को एकत्रित करके किस प्रकार उन्होंने पूरा खंडन किया, किस प्रकार ब्राह्मण को जो युक्ति तर्क करके शास्त्र के प्रमाण देते हुए स्मृति शास्त्री पुराने को पंचरात्रि विधि बिना एकांतिक हरि भक्त उत्पाद एवं केवलम, स्मृति में, शास्त्र में, पुराण में और नारदीय पंचरात्रि में जो विधि बताया गया है, और भगवान भी गीता में कहते हैं कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणं से कार्य अकार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र अधानक्तो कर्म कर्तु यहरति, कि शास्त्र में जो विधि बताया गया है उसको ही पालन करना चाहिए। मनमुखी अगर हम करेंगे, अरे नहीं ये तिलक ऐसा लगा रहे, हम थोड़ा ऐसा लगा देते हैं, नहीं ये नहीं चलेगा, ये मनमुखी धर्म नहीं चलेगा, बता रहे शास्त्र में जो विधि बताया गया है, शास्त्र में जो बात बताया गया है उसको ही पालन करना ही क्या है ना, विशेष करके उसको पालन करने के लिए ही, उसको ही एकांत हरि भक्ति के लिए उसको ही पालन करना पड़ेगा, भगवान भगवत प्राप्त करने के लिए उसको ही पालन करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हम लोग नाम परिवर्तन कर देते हैं, क्यों क्यों नाम परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि जीव का स्वाभाविक रुचि भगवान नाम में नहीं होता, इसलिए हम उसको भक्त के नाम देते हैं, उसको हम भक्त के नाम देते हैं। एक जगह पे गए थे गुरुदेव ओडिशा में, तो वहाँ पे एक नाम दे दिया पुरुषोत्तम बोल के, एक गांव में गए थे, एक नाम दे दिया पुरुषोत्तम बोल के, फिर बाद में पूज्यपाद भक्ति विदान गोधन महाराज के साथ प्रचार में गए, तो वो पुरुषोत्तम नहीं रहा, वो पुल्लू हो गया, और इतना बड़ा नाम कौन उच्चारण करेगा, गुरुदेव ने तो और कोई नाम दिया था, बोले हाँ पुरुषोत्तम दिए थे, और पुल्लू हो गया। तो बता रहे हैं कि इतना किस प्रकार जीव को कैसे अजामिल जैसे पापी, कि जिसको यम महाराज बता रहे हैं कि हरे पश्य का पुत्र का अजामिल जैसे पापी मृत्यु पाशाद मुच्यते, कि अजामिल जैसे पापी को भी भगवान का नाम से उसको कोई लेना देना नहीं था, लेकिन नाम उच्चारण से किस प्रकार उसी उसको कृपा हो गया। तो प्रभुपाद बता रहे हैं इस प्रकार जीव साधारण रूप में इतना पाप कर्म करता है, नाम नहीं ले पाएगा, इसीलिए उसको नाम को परिवर्तन करके भगवान नाम दिया जाता है, और वो दास उसके पश्चात तो क्या होता है, दास हो जाता है। और बताया गया जनेऊ के बारे में, जनेऊ क्यों, क्योंकि जनेऊ ब्राह्मण का संस्कार होता है, मानो पिछले जन्म में कोई कुत्ता सुअर बना होगा, अब कुत्ता सुअर क्या खाते हैं आप सब जानते ही है, अब वो इतना कुखाद्य खाते हैं, इतना कुकर्म करते हैं, तो उनके जो संस्कार है, अनेक जन्म का जो संस्कार है, उसको धीरे धीरे परिमार्जित करने के लिए उसको विधि के बिना पंचरात्रि विधि में ये विशेष रूप में उसको बताया गया है नारदीय पंचरात्रि में, कि उसको क्या करते हैं, परिमार्जित करने के लिए, उसको दूर करने के लिए ये जनेऊ दिया जाता है और उसको संस्कार दिया जाता है। ये पूरा का पूरा इसी मात्रा में प्रभुपाद खंडन किया, किस प्रकार निर्भीक भक्ता थे, और किसी प्रकार जो बता रहे हैं ना कि अपसिद्धांतो धांतो हरिने, सारे अपसिद्धांत जितने भी अपसिद्धांत थे उसको सबको नष्ट कर दिया। श्रीमन श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर ने एक समय अप्रकट के समय श्री प्रभुपाद को अपने पास बुलाते हैं, और प्रभुपाद को अपने पास को बुला करके बता रहे हैं कि तुम इस प्रकार के कठोर वैराग्य करते हो, इस प्रकार का चंद्रायन व्रत करते थे, और गर्मी में भी जो देखते हैं ना चैतन्य घोड़े मठ में, जो अभी भी मायापुर में जो चैतन्य घोड़े मठ है, उस समय केवल एक ही कमरा था, चारों तरफ से बंद कर करके प्रभुपाद के श्रीअंग को कोई देख नहीं पाते थे, और गर्मी के समय में जून जुलाई के महीने में भी गर्मी के समय में कुर्ता पहन करके अंदर बंद करके एकांत रूप में भजन करते थे,
और गोग्रास चंद्रायन व्रत में एक विधि है, गोग्रास करते थे थोड़ा, जैसे जैसे खिचड़ी बना करके भविष्यान्न बना करके हाथ के द्वारा नहीं मुख के द्वारा उसको ग्रास करना को बोलते हैं गोग्रास। किस प्रकार का वैराग्य किया, कैसे रूप रघुनाथ दास गोस्वामी से भी ऊपर तक वैराग्य किया श्रील प्रभुपाद ने, बता रहे हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर देखे कि इस प्रकार अगर ये वैराग्य करके हरिनाम करेंगे तो आज हम यहाँ घोड़े मठ में नहीं बैठ पाते, ये प्रभुपाद का ही कृपा है। तो बता रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु की कृपा, किस प्रकार का श्रीमन महाप्रभु के वाणी जगत में प्रचार होगा, कि श्रीमन महाप्रभु की जो इच्छा कि सर्वत्र प्रचार ह्यो मरना, कि हर जगह पे हर स्थान स्थान पे हर एक एक के मुख में भगवान का नाम होना चाहिए, ये जो श्रीमन महाप्रभु के जो इच्छा था इसको कौन पूरा कर सकता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर सोचते हैं कि प्रभुपाद जी को बुलाया और प्रभुपाद जी आए, और प्रभुपाद जी जैसे ही आके श्री भक्ति विनोद ठाकुर को प्रणाम करते हैं इनके अप्रकट समय में, केवल एक बात बताया श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने, देखो तुम्हारे कठोर वैराग्य को चलते हुए महाप्रभु के वाणी में कभी महाप्रभु के प्रचार में क्षति मत पहुंचाना। इसका अर्थ तुम क्या करो, महाप्रभु के वाणी को प्रचार करो जगत में, महाप्रभु के वाणी को प्रचार करो। और किस प्रकार प्रभुपाद ने हृदय में लिया, तुरंत ही श्री प्रभुपाद ने मायापुर में चार प्रेस श्री प्रभुपाद ने उसी समय ही वहां पे जाके ओपनिंग किया, और इतना मेधावी थे इतना तीव्र बुद्धि वाले थे कि जब जाते थे ना धाम के परिक्रमा करते थे, हर दिन मायापुर के धाम के परिक्रमा करते थे, और उसी समय परिक्रमा समय चार चार व्यक्ति कोई आसाम लैंग्वेज में, कोई इंग्लिश लैंग्वेज में, कोई ओडिया लैंग्वेज में, कोई हिंदी लैंग्वेज में, सब अलग अलग तरीके से प्रभुपाद के पीछे पीछे जाते थे, सब प्रभुपाद के पीछे पीछे जाते थे, और सबको अलग अलग टिक-टिक संदेना, सब अलग अलग रूप में, सबको अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग श्लोक के अलग अलग शास्त्र को लेके अलग अलग प्रकार का सबको देना। हम यहाँ एक नहीं पढ़ पाते सबको अलग अलग प्रकार का, किसी को उपदेशामृतम के टीका बता रहे हैं, किसी को चैतन्य चरितामृतम के टीका बता रहे हैं, सब किसी को गीता का भागवत गीता का, किसी को भागवत जी का, सबको अलग अलग रूप में दिखा रहे हैं। और उसी समय जैसे उनका जो ध्यान है कि ठाकुर का कैसे सेवा होगा, कहाँ से फूल आया कि नहीं, कहाँ से फल आया कि नहीं, इस बात को भी विचार कर रहे, ऐसे प्रभुपाद ने प्रचार किया। कलकत्ता में गए, कलकत्ता में एक छोटा सा मकान ले लिया, और छोटा सा मकान में जाके प्रचार करने जा रहे थे, तो प्रचार करने जैसे ही जा रहे थे, देखिए प्रचार किस प्रकार प्रचार किया प्रभुपाद ने, दिन रात एक करके प्रभुपाद ने प्रचार किया श्रीमन महाप्रभु के वाणी को, दिन रात एक करके। कलकत्ता में श्री गिरीश चंद्र बोस एक बड़े धनी थे उसी समय, कलकत्ता आर्किटेक्चर के वो एक पीएम थे, पीओ थे, तो बता रहे हैं कि वो आए उसी समय, बड़े धन था उनके पास, तो आते हैं और जिस समय भी आते हैं प्रभुपाद के पास, तो कभी सोते हुए नहीं देखा प्रभुपाद को, कभी भी सोते हुए नहीं देखा, कभी ग्रंथ पढ़ते हुए, कभी हरिनाम करते हुए, कभी लिखते हुए, ये सब देखा। तो बोलते हैं ये हर समय उनके प्रति आकृष्ट हो गए, और रोज रोज उनके यहाँ कथा सुनने आते थे, तो किसी समय इन्होंने बोला कि प्रभुपाद एक जमीन है हम देख कर आते हैं, तो जमीन देखने जा रहे थे, और जमीन देखते जा रहे थे, और एक गैरेज था, एक गैरेज में ऐसे एक टीम था, तो प्रभुपाद बस पैर रखने ही वाले थे, टीम गिर गया, जैसे धर्म करके नीचे टीम गिर गया, तो ये तो भक्त तो है नहीं, इतना तो हुआ नहीं कि उतना उत्तम श्रेणी का उनका संग अवश्य कर रहे हैं, फिर भी उनको बोलने लगे कि हम तो अच्छे कार्य करने जा रहे हैं प्रभुपाद, फिर ये विघ्न कैसे आ गया, बोले ये विघ्न कैसे आ गया। तो प्रभुपाद बोलते हैं जो भी ठाकुर जी जिस प्रकार का भी विघ्न देते हैं मानो आगे चल के वो शुभ ही होगा, वो आगे चल के शुभ ही होगा। तब उसके पश्चात 2 महीने के पश्चात एक जगह पे बाग बाजार घोड़े मठ लिया गया, और बाग बाजार घोड़े मठ जिस समय बनाया गया वहां पे बस केवल एक छोटा करके बस टीम देके छोटा करके उसमें क्या किया ना छोटा करके बस ऐसे करके उस समय इतना प्रचार में बहुत बहुत मुश्किल से पैसा आता था, बहुत मुश्किल से पैसा देते थे। तो उसी समय जैसे ही पूरा ये हो गया, चारों तरफ से दीवारें खड़ी हो गए और टीम बनने वाला है, तो रास्ते में जा रहे थे, तो एक दिन प्रभुपाद जा रहे थे और जो टीम गिर गया था गैरेज वाला वो बोल रहा है ओ बाबा जी तुम इसके ऊपर रोज चल के जा रहे हो, ये टीम तुम ले जाओ। तो किस प्रकार उसको तुरंत करके उठा करके आगे बाग बाजार घोड़े मठ में लगाए कि
किस प्रकार उसको उठा करके बाग बाजार घोड़े मठ में, किस प्रकार का उनका प्रचार का शैली था, किस प्रकार प्रभुपाद ने प्रचार किया, वो अपने में अद्भुत है। प्रभुपाद का जो आदर्श ना, हम पहले जिस दिन से मठ में आए हो एक ही बात पे डिस्कशन होता है, प्रभुपाद का आदर्श, प्रभुपाद का आदर्श क्या है, वो आदर्श इतना उनका अद्भुत आदर्श है, उसको 5-10 मिनट में वाणी में बोला नहीं जा सकता, इतना उनका अद्भुत आदर्श है श्री प्रभुपाद का आदर्श। और इतने मात्रा में प्रचार किए, इतने मात्रा में प्रचार किए और सारे अपसंप्रदाय को नष्ट किया, मायापुर में जितने अपसंप्रदाय था आउल बाउल करके, उसी समय सारे बड़े बड़े बाबा जी लोग, बड़े बड़े बाबा जी लोग वहां पे रहते थे, रहकर बोलते थे कि मागुर मास्टर झोल हरी हरी बोल, यानी दिन में मछली खाओ कोई बात नहीं और हरी हरी बोल, उस वादी में मछली होना करके बेचते थे और पत्नी के साथ भी रहते, स्त्री संग करते थे। और ऐसे बोलते थे गुरु जी आए आज बढ़िया मछली आला, इलिश इलिश मछली, मतलब हमारे बंगाल उड़ीसा में एक सबसे बेस्ट मछली। तो बता रहे हैं कि ऐसे मछली राव आज गुरुदेव आ गए, ऐसे अपसंप्रदाय थे। तो किसी समय इनके पूज्य पाद सुंदरानंद विद्याभूषण प्रभु अपने सरस्वती जयश्री में इस बात को लिखे, इनके एक शिष्य थे रोहिणी दास बोल के, तो वो प्रभुपाद के यहाँ आते थे, तो वो देखते थे कि ये पूरा का पूरा, जैसे ही वो पहले बाबा जी संप्रदाय में थे, तो पूरा का पूरा जैसे ही देख रहे हैं कि सब लोग पूरा इतने अपसंप्रदाय बढ़ रहे हैं, तो एक समय ये घर में सो रहे हैं और रात को इनको शेर उनके गुरुदेव देख रहे हैं, सपने में ही देख रहे हैं कि रात को उनके गुरु माता और गुरुदेव शेर और शेरनी होके उनको खाने के लिए जा रहे हैं। तो इतने जोर से वहां पे प्रभुपाद चिल्लाया, तो स्वप्न में प्रभुपाद आके प्रकट हो गए और स्वप्न में प्रकट होके उनको उद्धार कर लिया। ये प्रभुपाद का महिमा है। और जो प्रभुपाद के आश्रित गण है, एक समय पेपर में आया था कि किसी को यमदूत से भी गड़बड़ी हो जाता है, तो यमदूतों ने भी एक समय क्या हुआ, किसी को अनजाने से यम महाराज जी के पास ऊपर ले गए थे। अब जैसे ही देखा चित्रगुप्त ने, भाई इसको छोड़ दो, तो प्रभुपाद के शिष्य यम महाराज कांप गए, सिंहासन के साथ कांप गए, तुरंत वही छोड़ दिया। तो बताते हैं कि मैं आज बच गया क्योंकि मैं प्रभुपाद का शिष्य था। तो किस प्रकार इनके प्रभुपाद का किस प्रकार का अहेतु की कृपा है। और जो बता रहे हैं गौर शक्ति के पूरा विग्रहमान करुणामय स्वरूप है ये श्री प्रभुपाद, और जितने प्रकार के जुग को उद्धार करने वाले, ये तो साधारण बात है, लेकिन वास्तव में श्री प्रभुपाद कौन है। वृषभानु सुता दयितानु चरम चरणाश्रित रेणु धरस्तमहं महा अद्भुत पावन शक्ति पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। ये श्रीमती राधा रानी के अत्यंत प्रियजन है, और दूसरा इनका परिचय ये राधा रानी के नयन मणि मंजरी है। इस प्रकार श्री प्रभुपाद जी का महिमा है। जिस समय श्री प्रभुपाद के पास एक हर दिन एक भक्त आते थे, हर दिन आके उनके पास कथा श्रवण करते थे, और कथा श्रवण करते करते पूरी में किसी दिन आए, तो पूरी में जैसे जाते हैं ना परिक्रमा जाते हैं कि मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, तो प्रभुपाद को साथ जा रहे हैं, कथा सुनते सुनते प्रभुपाद के साथ जा रहे हैं, और प्रभुपाद एक एक वाणी को एक एक कथा को बोल रहे हैं। तो उनके मन में एक विचार आया, तो उन्होंने पूछ लिया कि प्रभुपाद हम एक काम कर सकते हैं क्या। बोले क्या, नहीं अगर हम कुछ दिन अगर मठ में रहना चाहे और कुछ दिन हम घर में रहना चाहे, कुछ दिन मठ में रहना चाहे कुछ दिन घर में रहना चाहे, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, हमारा पूर्ण रूप में वैराग्य हो जाएगा और हम पूर्ण रूप में मठ में आके रुक ही जाएंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं मठ कोई साधारण वस्तु नहीं है, मठ साक्षात वैकुंठ का रास्ता है, मठ साक्षात गुरुदेव का कुंज है, गुरु मेरा राधा रानी का हृदय स्वरूप है मठ। इसीलिए देखो मठ में आने से क्या होता है, श्री प्रभुपाद इस बात को बता रहे हैं, श्री प्रभुपाद के विचार बता रहे हैं, एक जट ये बात को बता रहे हैं कि मठ में आने से जीव का प्रारब्ध धीरे धीरे कट जाता है, धीरे धीरे प्रारब्ध कट जाता है। क्यों, क्योंकि वो मठ में आएगा तो वैष्णव दर्शन होगा, और वैष्णव दर्शन होगा जीव का अत्यंत भाग्य उदय से क्या होता है, वैष्णव दर्शन मिलता है, साधु संग प्राप्त होगा। नहीं चाहते हुए भी अगर कोई आएगा आपके साथ, आपने अगर प्रणाम किया वो भी क्या करेगा, चलो कर ही लेते हैं, चलो प्रणाम तो करेगा कम से कम, नहीं चाहते हुए भी तुलसी परिक्रमा करेगा, नहीं चाहते हुए भी आरती दर्शन करेगा, और सबसे बड़ी बात एक लालसा की बात रहता है प्रसाद, नहीं चाहते हुए महाप्रसाद ग्रहण करेगा, करेगा कि नहीं, इसके लिए सब चाहते हैं, इसके लिए सभी चाहते हैं। तो बता रहे हैं प्रभुपाद बोल रहे हैं ये सारी चीज को जब नहीं चाहते हुए भी करेगा, चाहे करो या नहीं चाहते करो, जहर जानबूझ के पियो या नहीं जानबूझ के पियो, तो क्या होगा,
वो मरोगे ही मरोगे। अरे मैं पी नहीं जानता था, जहर पी लिया भाई, मरना ही पड़ेगा। अमृत जानबूझ के पियो, नहीं जानबूझ के पियो, अमर बना ही देगा। उसी प्रकार यहाँ पे चाह के आओ नहीं चाह के आओ, ये निश्चित रूप में वो गोलक धाम तक ले ही जाएगा। यही पूजा के विचार है। और अंतिम बात, एक बात और बता देता हूँ। अभी हम बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि नाम जप करने से क्या होगा, अरे पाप पुण्य कौन देखता है, मरने के बाद कहाँ ले जाएंगे, बड़े नरक भी है भाई। एक पूरा सच्ची बात, सच्ची घटना बता रहा हूँ। अभी कार्तिक के महीने में, अभी कार्तिक के परिक्रमा चल रहा था, और हमारे जो वृंदावन में रहते ना कृष्णनाथ प्रभु, और हमारे यहाँ है श्रीकांत प्रभु, में एक जगह हवन करने गए, एक जगह पे हवन करने गए। तो उसी स्थान पे हवन करने गए तो एक भूत निकला, प्रभु जी भी गए थे, यहाँ पे बैठे हैं प्रभु जी भी गए थे, एक भूत निकला। तो भूत भगाने गए थे, अब भूत भगाने मुझे डर लगता है, और श्रीकांत प्रभु तो पड़े जा रहे हैं, मतलब उच्चारण करते जा रहे हैं, अब मुझे डर लग रहा है इतना। भूत वो बोल रहा है जोर जोर से, हमारे चारों तरफ देख रहा है, इधर उधर इधर उधर देख रहा है। और भाई बोले, भाई मेरे अंदर ना घुस ना जाए, डर के वहां पे बैठा हूँ जैसे जैसे करके। अब इतने में कृष्णनाथ प्रभु ने उसको सर को पकड़ा, और श्रीकांत प्रभु दंडा देके बोलते हैं, ए बोल क्या चाहिए बोल तुम्हें। बोले क्या चाहिए बोल तुम्हें। बोले मैं नरक नहीं जाना चाहता हूँ, मैं नरक नहीं जाना चाहता हूँ। अच्छा, भूतों को भी पता होता है नरक के बारे में, ये पूरा सच्ची घटना है। बोला मैं नरक नहीं जाना चाहता हूँ। बोले क्या उपाय है। बोले प्रभुपाद का प्रसाद दे दो मुझे। बोला मुझे प्रभुपाद का प्रसाद दे दो, इससे मेरा उद्धार हो जाएगा। तब क्या किया जाए, तब एक भागवत गीता ला के वहाँ पे प्रभुपाद का एक फोटो प्रसाद भोग लगा करके उसको दिया गया, और तुरंत ही उस भूत ने उसके शरीर छोड़ दिया। ये प्रभुपाद जी क्या उनका दिव्य महिमा है। तो आज श्रीला प्रभुपाद के तिथि है, ग्रह तिथि है, और श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव 1936 में जब प्रभुपाद के विरह तिथि के बाद, जब विरह के अप्रकट के बाद जब विरह तिथि हुआ, तब कथा के बाद में एक बात को बोलते हैं श्रीला परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, कि आज वास्तव में जो जो लोग इस स्थान पर आए हैं प्रभुपाद के विरह तिथि में, ये परम गुरुदेव के वाणी है, जो वास्तव में आज यहाँ पे आए हैं ये सिर्फ प्रभुपाद के विरह तिथि में, उनको प्रभुपाद के नित्य सान्निध्य का लाभ मिलेगा। ये परम गुरुदेव का वाणी है, क्योंकि यहाँ प्रभुपाद नित्य हैं, और मेरे गुरुदेव कभी अनित्य नहीं थे, इसलिए मेरे गुरुदेव नित्य हैं। गुरुपाद पद्म कभी अनित्य नहीं होते, गुरुपाद पद्म नित्य रहते हैं। बता रहे हैं कि किसी समय पूज्यपाद भक्तिवरदान गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव को किसी ने पूछा कि गुरुदेव आप इस समय यहाँ पे भजन कर रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं, तो बता रहे हैं गुरुदेव का जो भगवत भगवान के जितने भी लीला है वो नित्य होता है। मान लो राधा दामोदर लीला है, दामोदर लीला और कहीं दूसरे ब्रह्मांड में भी वो लीला होता होगा, इसलिए नित्य बोला जाता है। बड़ा विस्तृत प्रसंग है, तो इसको साथ सिंपल श्रवण करेंगे। तो गुरुदेव को पूछते हैं, क्या आप दूसरे ब्रह्मांड में भी अभी सेवा कर रहे होंगे, क्या आप दूसरे ब्रह्मांडों में भी अभी सेवा कर रहे होंगे क्या। गुरुदेव तुरंत बोलते हैं, हाँ मैं दूसरे ब्रह्मांडों में भी इसी प्रकार ही सेवा करता हूँ और नित्य करता रहूंगा। तो इसी प्रकार से गुरुपाद पद्म है, ये आविर्भाव तिरोभाव कहे मात्र वेद, ऐसा वो लीला कहू ना ही परिच्छेद। आविर्भाव तिरोभाव तो केवल वेद कहता है, इसका कभी परिच्छेद नहीं होता है। इसीलिए प्रत्यक्ष रूप में जो प्रभुपाद है, परम गुरुदेव गुरुपाद पद्म, उनके पास जो हमारे गुरुपाद है गुरुदेव है, वो वास्तव में हमारे लिए प्रभुपाद से भी बढ़कर है। क्यों प्रभुपाद से बढ़कर है, क्योंकि प्रभुपाद को दिखाने वाला कौन है। आज इतने बड़े उत्सव हो रहा है यहाँ पे, चकाचक भंडारा होगा, अभी आरती करेंगे, ये जान रहे हैं ये प्रभुपाद, ये भक्ति विनोद ठाकुर, ये गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, ये गुरु परंपरा, ये वो ग्रंथ है, वो ग्रंथ इसका महिमा है, ये भागवत जी है, कथा श्रवण करो, ये कौन बोल रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में। श्रील गुरुपाद पद्म ही इस बात को बता रहे हैं, श्रील गुरुदेव भी प्रत्यक्ष रूप में बता रहे हैं। इसलिए हमारे लिए श्रील प्रभुपाद, हमारे लिए सारे गुरुपाद पद्म, और हमारे लिए श्रील परम गुरुदेव, सब कुछ हमारे गुरुदेव ही है। इसीलिए उन्हीं गुरुदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। मैं प्रणाम करके उनके चरणों में कृपा और प्रार्थना करता हूँ कि कभी मेरे हृदय का सारे अनर्थ, सारे अनर्थ को दूर करके मेरे जिससे बच्चे जी लोग कृपा करे। हरे कृष्णा। हाँ, कौन सा प्रभुपाद का फूल माला किसी ने ठाकुर जी के लिए
प्रभुपाद के किसने फूल माला बनाया? ऐसा धना माता और कौन माला आज कौन बनाया? हाथ उठाओ, खड़े खड़े हो जाओ। अरे हाथ खड़े हो जाओ, किसने बनाया? हाँ धन्यवाद आपको, बड़े सुंदर ठाकुर जी ने आपने माला बनाया। धन्यवाद। 28 तारीख को सवेरे कितने बजे होगी? 7 बजे 10 सुबह से फिर सुबह आते हो। हाँ यहाँ पर गुरु जी का कितना 28 तारीख को यहाँ पर प्रोग्राम हम सवेरे सवेरे करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हम लोगों को जाना पड़ेगा कहाँ पर, जनकपुरी में जाना पड़ेगा, इसलिए सवेरे हम जल्दी जल्दी 7 बजे से शुरू करके 8-9 बजे तक विश्राम कर देंगे, फिर यहाँ से फिर हम लोग जनकपुरी जाएंगे। आप लोग कोशिश करना गुरु जी की तिथि में आना और पुष्पांजलि देना, कथा सुनना और प्रसाद पाना, ठीक है? और देखो कि जो हाँ देखो कि जो मंदिर है, लगता है आप लोग कष्ट हो रहा है बैठने के लिए, क्यों जगह यहाँ ठीक ठीक से है नहीं, लेकिन मेरे से जितना हो पड़ा मैंने कोशिश किया आप लोग से थोड़ा भिक्षा ले करके हाँ इस जगह को लेने के लिए। अभी आगे कैसे बढ़ाना है आप लोगों को चिंता करना पड़ेगा, आप लोगों को चिंता करना पड़ेगा कैसे आगे इसको धीरे 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 हम चाहते हैं सुंदर रूप में यहाँ मंदिर बने और बढ़िया सुंदर मंदिर बने, ठाकुर जी स्थापन हो, नित्य यहाँ पर हरि कथा कीर्तन हो। अभी इसको आगे बढ़ाने का काम आप लोगों का है, अगर आप लोग अगर थोड़े थोड़े मदद करोगे तो यहाँ पर देखो एक व्यक्ति जब अपना घर बनाता है कितना सुंदर घर बना देता है, अगर सब लोग अगर मिल जाए तो फिर कितना बढ़िया नहीं बन सकती, कितना बढ़िया नहीं बन सकती है ना। इसलिए ये हमारे कृष्ण स्वयं उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव जी अगर मेरी कहीं मंदिर बन रही है कोई अगर उसमें एक ईंट भी दे दे ना, मैं उसी के लिए गोलोक वृंदावन में राजमहल बना देता हूँ। ये कृष्ण खुद उद्धव जी को कहते हैं, राजमहल में बना देता हूँ, इतने भगवत मंदिर में एक ईंट देने का भी इतने महत्व है। इसलिए आप लोग सबके सब कोशिश करना, जैसे आप लोग जहाँ से आते हो, और प्रभुपाद ने क्या बताया, मतलब जिसको देखो इसको भगवान की उपदेश बताओ, भगवान की बाहर में बताओ। इसलिए गुरुदेव हर समय कहते थे परिक्रमा में जब आओ एक एक